तो मिस्टर गोवर्धन और मिस्टर दमानी, हमने तुम दोनों को हिंदुस्तान से खास इसलिए बुलाया है कि तुम्हें वो सब याद दिला दे जो तुम दोनों भूल चुके हो। जानते हो कितने इंसानों की लाशों पर हमने अंडरवर्ल्ड की बुनियाद रखी, कितने इंसानों के खून से हमने अंडरवर्ल्ड की जमीन को सींचा, कितने वर्दियों को जलाकर उनकी राख से हमने अंडरवर्ल्ड की दीवारों को रंगा, क्या तुम नहीं जानते? अपना साम्राज्य, अपना अंडरवर्ल्ड हमने तुम दोनों के हाथ सौंपा और आज हम क्या देख रहे हैं? अपने ही बाजू एक दूसरे को काट रहे हैं। तुम इसका सर कुचल देना चाहते हो, ये तुम्हारा ताज छीन लेना चाहता है। नहीं नहीं अन्ना, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात नहीं, तुम दोनों एक दूसरे पर घात लगाए बैठे हो। मेरे पास कुछ पेपर्स है इंडिया से, ये देखो। मुंबई में गैंग वॉर, गोवर्धन भाई के 21 आदमियों को दमानी के गैंगस्टर्स ने मार गिराया। डोंगरी में दमानी पर फायरिंग, गोवर्धन भाई पर जानलेवा हमला और गोवा में दमानी के 10 गोदाम जलकर राख। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए हो? मैं बताता हूँ, आपने मुंबई में मुझे हवाले का काम सौंपा था, वो हवाले का काम चोरी छुपे ये करने लगा। जो करोड़ों रुपए मुझे कमाने चाहिए थे वो इसने कमा लिए। शाबाश शाबाश। और वो सोने चांदी की स्मगलिंग का काम जो अन्ना ने मुझे दिया था,
वो सारी की सारी स्मगलिंग इसने की, और जब भी मैंने स्मगलिंग करने की कोशिश की तो इसने मेरा सारा माल दमन और कच्छ के साहिल पर लूट लिया। आज तक तुमने मेरे 220 शूटर्स मार डाले हैं, 220 शूटर्स। और तुमने जो मेरे 400 शूटर्स मरवाए उनका हिसाब कौन देगा? किसने किसको मारा, किसने किसको उड़ाया, मतलब तो यही हुआ कि अंडरवर्ल्ड ने अंडरवर्ल्ड को उड़ाया। और ये दुश्मन इसी तरह चलती रही तो एक दिन हम सब लोग खत्म हो जाएंगे, और हम अपना अंडरवर्ल्ड इस तरह मिटता हुआ नहीं देख सकते। देखो, भूल जाओ अपनी पुरानी दुश्मनी को। नहीं अन्ना, मैं तो मरकर भी ये दुश्मनी नहीं भूल सकता। और मैं 7 जन्मों तक नहीं भूल सकता। हाँ, हेलो, 1 मिनट सर, फोन है। किसी का इस तरह डिस्टर्ब करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी एक बेटी है। जी। तुम्हारा एक बेटा है जो लंदन में पढ़ता था, हाल ही में हिंदुस्तान वापस लौटा है। जी हाँ, मगर हम सब जानते हैं, हम चाहते हैं कि तुम्हारे बेटे की शादी इनकी बेटी से जल्द हो जाए। गोवर्धन भाई, इंडिया पहुंचते ही तुम अपने बेटे को दमानी के यहाँ गुजरात भेज दो, ताकि तुम्हारा बेटा इनकी बेटी को देख ले, समझ ले, और तुम दोनों की दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए रिश्तेदारी में बदल जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कान खोलकर सुन लो कि शहनाइयों की गूंज की जगह मौत की चीखें गूंजेगी, मौत की चीखें। आप दोनों की दुश्मनी के बीच मैं बलि का बकरा क्यों बनूं? देख बेटा, अगर तूने दमानी की बेटी से शादी नहीं की तो हम सब बलि के बकरे बन जाएंगे। दमानी कौन? वो गुजरात का डॉन। हाँ। है? अगर मैं उसकी बेटी से शादी करूं तो मेरी टीना, रीना, मीना, मर्जीना, रीटा, इन सब का क्या होगा? वो तो मर जाएंगी मेरी बगैर। और मेरी लिली? अरे लिली गई जानने में, या मेरी हालत पीली हो रही है। आई एम सॉरी डैड, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं ये शादी करके रहूंगा। ये शादी नहीं हो सकती डैड। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं ये शादी करके रहूंगा, करके रहूंगा, करके रहूंगा। क्या? इस उम्र में मुझे छोड़कर दूसरी शादी? अरे तुम समझते क्या हो, मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगी, तुम्हें दिन में सारे दिखा दूंगी। अरे मेरी गरम पत्नी। गरम पत्नी कहिए जी? अरे तुम हमेशा गरम रहती, पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे मुझे तो शादी से पहले ही तुम्हारे कैरेक्टर पर शक था। ये लो। कौन है वो चुड़ैल? वो डायन कौन है जो मेरी सौतन बनना चाहती है? मैं उसका मुंह नोच लूंगी। अरे तुम पहले मेरी बात तो सुनो। अरे जो कुछ सुनना था सुन लिया मैंने। मैं देखती हूँ तुम दूसरी शादी कैसे करते हो, अभी अपने भैया को बुलाती हूँ। क्या हुआ बहनों? पप्पू भैया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। तेरे जीजा जी दूसरी शादी करने जा रहे थे। दीदी, उड़ा डालूं क्या जीजा को? हा? अबे मैं अपनी नहीं, अपनी बेटे की शादी की बात कर रहा हूँ। दीदी, मैं इसके बेटे को उड़ा डालूं क्या? मामा जी, बेवकूफ क्या बात कर रहा है, वो मेरा भी बेटा है। वो एक्चुअली मैं टेंशन में भूल गया था कि ये आपका भी बेटा है। अबे वो कमती भेजे गए, इसको नीचे कर, गोली चल गई तो आपका क्या जाएगा, मेरी दीदी विधवा हो जाएंगी। अबे तेरे कुछ अकल है, इधर कुछ है कि नहीं है? चेक नहीं किया। और ये क्या है, ये कौन लोग है? ये अपन के बॉडीगार्ड है। तेरे बॉडीगार्ड? अबे तेरी बॉडी देख, इसको गार्ड की क्या जरूरत है? जी जा, जब अपन एक्सरसाइज करता है ना तो गिर पड़ता है, जोर से बात करता है तो गिर पड़ता है, टेलीविजन में गोली की आवाज चलती है तो गिर पड़ता है, यहाँ तक जोर से हवा चलती है ना तो अपन गिर पड़ता है। अभी क्या ये लोग को उठाने के लिए रखा है, नहीं तो सारी दुनिया बोलेंगी कि आपका साला कितना गिरा हुआ आदमी है। जा मेरे बाप, जा, तू जीता मैं हारा, जा। ठीक है, चल। आप अब मेरी बात का जवाब देखो। गरम पत्नी, धर्म पत्नी, एक ही बात है, इसको दमानी की बेटी से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो अन्ना हम सब उड़ा देगा। जीजा, उड़ा डालूं क्या अन्ना को? अबे तू पतंग नहीं उड़ा सकता है, अन्ना को तेरा बाप उड़ाएगा, चल आवाना दे। ओके चलो रे, मेरे को संभालो। और सुनो,
दमानी की बेटी देखने के लिए इसको गुजरात जाना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब दमानी की बेटी हमारी बहू बनेगी? हाँ। अरे बेटा कर ले शादी, दमानी तो अरबपति है, ऐसा ससुर तुझे कहाँ मिलेगा बेटा? बट मॉम, लिली। अबे लिली को मार गोली, छे काली बिल्ली। बढ़ जे, सुन मैं, तुझे ये शादी करनी पड़ेगी। नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा हाथ दबा हुआ है, अन्ना का हुक्म भी है, और एक बार ये शादी हो गई तो हमारा हाथ ऊपर आ जाएगा और दहेज भी तगड़ा मिलेगा। क्यों जी? और उसके बाद मैं गुजरात का सारा कारोबार अपनी मुट्ठी में कर लूंगा, और कारोबार मेरे हाथ में आया तो उसके बाद मैंने दमानिया से अपने जूते पॉलिश नहीं कराए तो मेरा नाम गोवर्धन नहीं। और मैं भी उसकी बेटी से अपने घर के बर्तन मंजवाऊंगी जी। यार प्रीति, तू रोजाना दिन में 10 बार कुछ न कुछ परचेस करती रहती है, आखिर इतना खर्चा? अरे यार, जारी कमाते हैं और हम खर्च करते हैं। एक होती है नोट छापने की मशीन और ये है नोट खर्च करने की मशीन। अरे चोर 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 चोर, आप लोग यहाँ इतने मर्द हैं, कोई उसे पकड़ते क्यों नहीं है? अरे किसने हमें पुकारा जो हम चले? अरे मुझसे नहीं है तो क्या हुआ, मर्द किसान के लिए हम अपनी जान दे सकता हूँ, कहीं समस्या क्या है? अरे वो चोर ने पर्स लेकर भाग गई। चोर, चोर नहीं, मैं नहीं, 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 ये उस नहीं, तरफ, उस तरफ गई है वो। हाँ, देख लिया, देख लिया। अरे वो ड्राइवर, जल्दी चलो, हमारी दिल्ली की फ्लाइट छूट जाएगी भाई। अरे तुम्हारे दिल्ली की फ्लाइट छूट जाए या जिंदगी छूट जाए, अब तो हम पहले चोर नहीं पकड़ेंगे, उसके बाद ही तुम फ्लाइट पकड़ोगे। चल तेरे सैया के भैया मरो। तो पक गया, अब हमारी मैच का क्या होगा? लड़कियों चलो जाके हिमालय ट्रैवल्स की बैंड बजाते हैं। हम नहीं छोड़ेंगे ना, बिहार की इज्जत का सवाल है। चोरने, क्या कर रही हो, कितना तेज भाग रही हो, आस्ते भाग भाई। अरे पिछले जन्म में रेस में घोड़ी थी क्या? अरे बाप रे, ये तो खानदानी डाकू लगती है। अरे चोर ने पकड़ लिया, अब भागिए, अब अपना बैग लेके भागिए, बैग लेके भागिए, हम देखते हैं कि ये चोरनी क्या करती है। मुझे डोंकी चुप जा करके लियो, अंग्रेजी बोलती है पुलिस। ये मोरनी कौन है? अबे कछुए की आंखें, ये मोरनी नहीं, तुम्हारा इलाके के चोरनी है। हमारे क्या क्या चीज पड़े लिए हमारे इलाके में, अपने को मालूम नहीं? अरे चीज तो ऐसी है, लेकिन इसके साथ उलझना नहीं, वरना देखते देखते तुम्हारा सामान गुल हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। ठीक है ठीक है, हाथ मुंह खोलो। अंग्रेजी आती बोलने के लिए? नहीं तो मुंह खोलने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? अरे अंग्रेजी में लंबा चौड़ा गाली दे डलती, कुछ समझ में नहीं आता बात। अच्छा अच्छा, मेरे साहब आ रहे, उनको आती है इंग्लिश, हाथ मुंह खोलो। ठीक है, तुम बोलते तो खोल डालते। देखो कैसा स्टाइल से धक्का मार रही है, देखो मुंह बंद है फिर भी बोल रही है। लेकिन बोलते कम है। क्यों? और जरा यूज करेंगे तो स्टॉक खत्म हो जाएगा ना। क्या बात कर रहे हो? अब बोल रहे हैं शट अप, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इसको कहते हैं चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इडियट, चोर मैं नहीं, वो लड़की थी जिसको तुमने मेरा बैग दिया। ये देखो अभी बचने का नया पैतरा खेल रही है। अरे हम तुमको छोड़ूंगा नहीं। ये रही प्रीति। आ गई हमारी आई विटनेस की फौज। तो कन्या पहचानो इस प्यारे से मुखड़े को, यही है वो लड़की जो पर्स लेकर भागी थी। What? तुमने इसे पकड़ लिया? तो किसको पकड़ते हैं? अरे इसका पर्स लेकर तो वो भागी थी। कौन भागी थी? जिसको तुमने मेरा पर्स देके छोड़ दिया। क्या बात करती है, रॉन्ग नंबर लग गया। ओह माय गॉड, ओए हिमालय ट्रैवल का नाम चेंज करके हल्का ट्रैवल्स रख दो। और जी मैं पूछती हूँ कि तुम्हारा आदमी हमें बीच रास्ते छोड़ के भाग क्यों गया है? जानते हो तुम्हारी वजह से हमारा प्लेन छूट गया है। ओए हमें जाना था दिल्ली, बहुत जरूरी थे इम्पोर्टेंट हॉकी की मैच खेलने, और हमारी टीम खेले बिना ही हार गई। अरे छोकड़ी लोग, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बड़ी बड़ी सॉरी है बाबा। सॉरी सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा जी, हमारे टिकटों के पैसे वापस करो पैसे। हाँ अरे बाबा, टिकट के पैसे कैसे वापस करेगा? मेरा नाम आरपी मांगना नहीं है, मतलब रुपया पैसा मांगना नहीं। लड़कियों ये खरगोश ऐसे नहीं मानेगा, कुट दो इसे सामान। अरे ये सब मार के क्या करता है छोकरी लोग, ये सामान को मत छोड़ो, ये पापा कंप्यूटर को छोड़, छोड़ कंप्यूटर को, हम तेरे हाथ जोड़ता है। चलो चलो दे, देता है ना पैसा, सब तोड़ फोड़ करके रख दिया। जल्दी करो जी, जल्दी दिल पे पत्थर रख के देता है ना पैसा। जो कुछ रखना है रखो, सानू की। चलो जी चलो 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 चलो।
अरे ये छोकरा तो मेरे नाक में दम करके रखेगा। तुम यहाँ हो? हम हूँ। अरे तुम हो, क्या बात करती हो? इन छोकरी लोग को हम ढूंढ रहे हैं वहाँ, और ये सब घूम रही है बाबा के मैदान की तरह, यहाँ बात करती है। अरे ये क्या? अरे आपने लड़कियों को छेड़ दिया क्या? पूरी रात जा, मैंने तेरे को छोकरी लोगों को बस में एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए भेजा था, तूने उनको बीच में ही ड्रॉप कर दिया। नसीब बहुत खराब है, बताते हैं बात क्या हुआ, बहुत लफड़ा। अरे मेरे को पता है तेरे पास भाने का थप्पी हमेशा तैयार रहता, पर मेरे को कुछ नहीं सुनना। लो कमाल है, कोर्ट में वकील नहीं सुनता, स्कूल में मास्टर नहीं सुनता, यहाँ पर ऑफिस में आप नहीं सुन रहा है। बड़ी मेरे बाप, आप मत बोलिए, उम्र में हम छोटे आपसे बात करते हैं। तेरे जैसे हीरो को अगर मैं नौकरी पे रखेगा ना, तो टाइम से पहले मैं दुनिया से चला जाएगा। तो क्या हो गया आपका, ऑफिस हम संभाल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी साला मस्खरी करता है मेरे साथ, गुलाम पिक्चर की तरह गुठियों से मुंह तोड़ के जहाँ से मार तेरे को मैं। अरे सब मत दिखाइए, इससे कुछ फायदा नहीं, कुछ होने वाला नहीं है, मरने वाले नहीं। तू क्या लोखंड का बड़ा है, पीतल का बड़ा है, तांबे का बड़ा है, जो नहीं मरेगा? अरे वो सब बात नहीं है, बहुत नसीब वाला हूँ, यमराज भी बहुत बार फ्लॉप हो चुके हैं ना। क्या मतलब हुआ यूं कि जब हम पैदा हुआ तो हमारे माँ बाप हमको नाव में बिठाकर गंगा जी के इस किनारे से उस किनारे ले जा रहे थे। 70 आदमी बैठा था नाव के अंदर, जब नाव डूबी तो सब डूब गया, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, लेकिन हम साला बच गया। वो कैसे? वो हमारी माँ ने हमको ट्यूब के ऊपर रखा हुआ था ना, ट्यूब तिर गई तो हम भी तर गए। जब हम 10 साल का हो गया तो मजाक मजाक में हमने गांव के पंडित जी की जूतियां चुरा ली, तो गांव के सरपंच ने हमको उठा के पीपल के पेड़ के ऊपर बांध दिया। हमको उसने पीपल के पेड़ पर बांधा नहीं कि गांव में बाढ़ आ गई, पंडित जी डूब गए, सरपंच डूब गए, पूरा गांव डूब गया साला, लेकिन हम साला नहीं डूबा। वो कैसे? अरे हमको उसने एकदम पीपल के टॉप पे बांधा था ना, वहां तक पानी पहुंचा ही नहीं। जब हम 21 साल का हो गया तो बाई ट्रेन बिहार से दिल्ली जा रहा था, तो साला पुल टूट गया, पूरी की पूरी ट्रेन नदी में डूब गई, एक डब्बा नहीं मिला, 970 आदमी था ट्रेन में, जब डब्बा नहीं मिला तो आदमी कहां से मिलता, लेकिन हम साला बच गया। बड़ी चढ़िया हो गया क्या, जब पूरा का पूरा ट्रेन डूब गया तो तू कैसे बच गया? अरे बगैर टिकट ट्रेवल कर रहे थे ना, टीटी ने हमको स्टेशन पहले उतार दिया। तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम जी गए, आपको अच्छा नहीं लगा? बड़ी और कितनी फेंकेगा तू? फेंक कौन रहा है, 24 साल की उम्र में बाप मत बोलिए, उम्र में हम छोटे आपसे। कोसता मैं अपनी किस्मत को, बैठ के कोसी ना, कोसता मैं अपनी किस्मत को, जिस दिन बिहार के ललन प्रसाद यादव की चिट्ठी पर मैं तेरे को नौकरी पर रखा था ये सोच के कि तू अनाथ है, लेकिन बाबा मेरे को लगता है एक दिन तू मेरे को अनाथ करके छोड़ेगा। जा बाबा जा। ऐसा नहीं है, एक मौका देंगे आप? मैं नहीं देगा बाबा। आप बहुत शरीफ आदमी। मैं नहीं देगा बाबा, देवता है देवता, महानुभव है। ठीक है बाबा मैं देगा, पर एक बात याद रखना, अगर आज के बाद गड़बड़ किया तो मैं तेरे साथ क्या करेगा तुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या करेगा। हाँ मालूम है, एक मौका और देंगे आप। बड़ी फोन आ गया। हेलो, हाँ हेलो, मिसेस गुदगुदलानी जी, हाँ नमस्ते, प्रणाम करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कल 11 बजे होटल के अंदर मर्सिडीज लेकर आ जाऊँगा मैं। अच्छा जी, प्रणाम करता हूँ, मिसेस गुदगुदलानी जी का फ़ोन था। गुड मॉर्निंग मिसेस गुदगुदलानी जी, आपकी गाड़ी आ चुकी है। अरे तुमने कैसा पहचाना कि मैं ही मिसेस गुदगुदलानी हूँ? अरे आपकी हंसी इतनी तूफानी है कि हमको पता लग गया कि आप ही मिसेस गुदगुदलानी है। Oh you naughty boy! Oh you pretty woman! Oh no! Oh yes! हरी अब जल्दी गाड़ी लेके आओ, बाकी बातें अपनों गाड़ी में करेंगे। आप एक मिनट रुकिए, हम 2 मिनट में आते हैं, मुखौटा देखिए, गाड़ी में बात करेंगे। Hi, waiting for someone? Hello, yeah. और ये तो वही चोर नहीं है, ससुरी को आज नहीं छोड़ेंगे, कसम छपरा की। कहाँ गई भाई? ए रुक तेरे ता, कहाँ है? ए चोरनी! अरे ससुरी अंदर चली गई, अंदर बच जाएगी क्या? कहाँ छुप गई? अरे ये कहीं लेडीज बाथरूम तो नहीं है, पता चले अच्छाई करने गए और जूता खा के निकले। अरे कहाँ भाई? अरे तनी, अरे चोरनी! आज हम तुमको पकड़ लिया, पकड़ लिया, कितना भी हाथ पांव आराम नहीं छोड़ेंगे ना। अरे कोई जल्दी से पुलिस को बुला, पकड़ा इसको, उस दिन तो हमको बेवकूफ बना के चली गई, और आज हम इसका शकल देख के रहेंगे, थोड़ा लगती कर दिया है। कहाँ गया वो? कौन था वो? मैं उसे जान से मार डालूंगी। कमसिन है, शोख है, हसीन है, जवान है, कमसिन है, शोख है, हसीन है, जवान है, दिल मेरा दिल यारो इस
इससे कुर्बान है दिल मेरा दिल यारो इससे कुर्बान है। ये लड़की नहीं ये बनारस का पान है। ये लड़की नहीं ये बनारस का पान है। आशिक दीवाना है पागल नादान है। आशिक दीवाना है पागल नादान है। नियत से लगता मुझे ये बेईमान है। नियत से लगता मुझे ये बेईमान है। अरे इसको बचा किसके खतरे में जान है। अरे इसको बचा इसके खतरे में जान है। अपने सजा के रखो इसे दांतों तले में दबा के रखो। ये तो जवानी के कथे की दुकान है। ये लड़की नहीं ये बनारस का पान है। ये लड़की नहीं ये बनारस का पान है। ये हिमालय ट्रैवल्स देख रहे हो? हाँ जी। नजर नहीं आना चाहिए, आगे जो होगा वो मैं देख लूंगी। ओके मैडम। ये कहाँ तोड़फोड़ हो रही है? अरे अरे ये रंग नंबर वाली यहाँ कहाँ आ गई भाई? अरे गुंडा गुर्दी बंद करो। अरे डेमोक्रेसी में ये नहीं चलेगा। अरे अरे मेरी डेमोक्रेसी। अरे डेमोक्रेसी कहाँ है? पूरी मास्टर मेरा हिमालय ट्रेवल देखेगा नहीं तो एकदम उछल पड़ेगा नहीं। अयो हमारा कान उछलने का ता थे थे मास्टर बाडू। मेरा इस प्रॉपर्टी के लिए एक से एक बड़ा ऑफर आया नहीं। दुबई से, मस्कट से, अमेरिका से बिल क्लिंटन का ऑफर आया नहीं। बोड़ा मोना लिविस्की के लिए घर बढ़ाएगा जी, मैं बोड़ा नहीं देगा जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफर आया जी, बोड़ा सेकंड राष्ट्रपति भवन बनाएगा जी, मैं बोड़ा नहीं देगा जी। लेकिन जब तुम बोलो ना जी कि हम क्या बनाएगा, हाँ डांसिंग स्कूल बनाएगा, तो हम इमोशनल होके हाँ बोला नहीं, क्योंकि मेरा बीवी भी नाश्ता है नहीं। कहाँ नाश्ता जी, नाइट क्लब में या बियर बार? बड़ी बस खड़ी करता है मेरे साथ, गुलाम पिक्चर की तरह गुट्ठी से मुंह तोड़ देगा मैं तेरा। अब तू मेरा 2000 स्क्वायर फीट जगह ले और 5 लाख डिपॉजिट दे।
बड़ी मास्टर आओ नी और देखो मेरा हिमालय ट्रेवल्स कैसा दिखता है। बड़ी इधर उधर क्या देखता है नी, अच्छा है बुरा है कुछ तो बोलो। क्या खाक बोलूं, कुछ दिखे तब ना। अरे कैसे नहीं दिखेगा, आरपी मंगनानी का प्रॉपर्टी है, लोगों से मांग मांग के बनाया है नी, अच्छी तरह से नजर घुमा के तसल्ली कर लो नी। क्या खाक तसल्ली कर लूं, ये तो पूरा मैदान रामलीला ग्राउंड की तरह खाली पड़ा है। बड़ी पागल हो गया है क्या, पागल हो गया है क्या, पागल हो गया है क्या, क्या? बड़ी पागल हो गया है क्या। अरे कल तक तो मेरा प्रॉपर्टी इधर ही खड़ा था नी, आज किधर चला गया। आप ढूंढो अपना प्रॉपर्टी, हम जाते हैं बाबा। बड़ी किधर चला गया नी, बड़ी किधर चला गया मेरा प्रॉपर्टी, मेरा प्रॉपर्टी। ओह बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है बाबा। कोई चोर तो चोरी करके नहीं ले गया। अरे सर जी चोरी कर रहा है, भूचाल का केस है। भूचाल? अरे बड़ी ये भूचाल मेरे 2000 स्क्वायर फीट में ही आना था क्या। वो क्या है कि सर जी थोड़ा सा ट्रेजडी हो गया सारा। वो क्या है कि हम आपके साथ काम कर रहे हैं ना, तो हमारे पंडित जी ने हमको कहा था कि हमारा शनि चल रहा है, लेकिन मंगल आने वाला है, मगर फिलहाल तो शनि चल रहा था ना। अरे बड़ी ये सब हुआ कैसे? मैं बताती हूँ सेठ जी, इसने किसी लड़की को छेड़ा, वो गुंडे लेकर आई और ये हालत हो गई। अरे तू एक बात बता, ये लकड़ी टीन के नीचे दबने के बाद तू बचा कैसे? वो ऑफिस में सॉलिड सॉलिड ऐसा था ना, ऐसा कुछ पेंटिंग। हाँ हाँ, तो वो हमने देखा जैसे कि ऑफिस टूटने वाला है, तो हमने पेंटिंग निकाल के अपने सर के ऊपर ऐसे ओढ़ लिया छाते की तरह, ताकि सब कुछ टूटे लेकिन हम नहीं टूटे। अरे पर पेंटिंग का क्या हुआ? वो टूट गई ना। बड़ी 5 लाख का पेंटिंग तू तोड़ डाला, तो अपनी जान नहीं बचाएंगे क्या? बड़ी एक काम कर, अपना बोड़िया बिस्तर बांध और चल रफा दफा हो यहाँ से। अब हमको एक मौका देंगे? नहीं देगा। मैं आप बहुत शरीफ आदमी है। कमीना आदमी है। नहीं नहीं आप महानुभाव हैं। नीच आदमी है। आप देवता हैं, देवता। राक्षस आदमी है, तो चल यहाँ से। अरे तो बगैर पैसा लेकर चले जाएंगे, क्या बात करते हैं? बाबा बाबा ये ले मेरे बाप। बाप मत बोलिए, उम्र में छोटे हैं बाप से। अरे बड़ी तेरी नजर मेरे स्कूटर पे है, ले जा इसको भी ले जा, पर इसमें पेट्रोल नहीं है। अरे पेट्रोल की जरूरत किसको पड़ेगी, आधी तो हमारी रेपुटेशन पे चल जाएगी ये गाड़ी। और बाकी आधा हम किसी बिहारी के ट्रक से बांध देंगे रस्सी से, और क्या। अरे बाबा कुछ भी कर, पर तू जा यहाँ से। छोड़ के जाने को दिल नहीं कर रहा है सेठ जी, मगर यार रुक जा, ऐसा कुछ बचा भी नहीं आपके पास। हाँ वही तो बोल रहे हैं, आप खुद भी तो बर्बाद हो चुके हैं ना। वैसे जिस लड़की की वजह से जो कुछ भी हुआ है वो थी बड़ी करारी, पहली नजर में तेरे इश्क में पड़ गए। हेलो मैं रतिलाल बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं आप? मैं मुंबई से गोवर्धन बोल रहा हूँ, दमानी को फोन दो। जी जी एक मिनट सर, सर गोवर्धन साहब का फोन है मुंबई से। करने में नहीं हूँ। हेलो वो कह रहे एक मिनट सर, लगता है कुछ मामला सीरियस है। हेलो मिस्टर गोवर्धन बोलिए। दमानी मेरा बेटा विकी गुजरात के लिए निकल चुका है, उसे हाईवे पर रिसीव कर लेना। ठीक है। हमारा शनि जा रहा है और मंगल आ रहा है, और आपको जो है हमको अभी मुंबई से लेकर बिहार तक की लिफ्ट दिलानी है, क्योंकि हमारे स्कूटर के अंदर पेट्रोल नहीं है और जेबों में पैसा नहीं है, और हमको ये थर्ड ग्रेड स्कूटर जो है एक्सेप्टेड ही नहीं है साला, समझ रहे। तो आप बीच में जाएंगे, एक्सीडेंट आपका होगा और हमको मिल जाएगी लिफ्ट। इस गाड़ी में आपको हमको लिफ्ट दिलाना है, समझ गए। ये क्या हो रहा है? अच्छा साला पूरा हमारा खेल देख लिया। तो भैया आपको एक्सीडेंट है, एक दो और ये भैया ये गॉड ऑफ गॉड। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्यों कर रहे हो ऐसा? अरे इस शरीफ आदमी का कोई कसूर नहीं है। अरे अगर पुलिस को बुलाना ही होगा तो हम बुलाएंगे। तो बुलाइए ना। नहीं हमको बुलाना है ना, तुमको क्या कर रहा है? अरे भाई तुम्हें इसने गाड़ी से उड़ाया है। अरे उड़ाया तो हमको उड़ाया है, हमको उड़ने का शौक है, हम रॉन्ग साइड से आ रहे थे। अरे हम साला आदमी ही रॉन्ग है, तुमको किससे क्या मतलब है? अरे भाई कमाल है, आजकल बीच में पढ़ने का जमाना ही नहीं रहा। तो बीच में पढ़ने के लिए हमने तुमको न्योता दिया था क्या? जाओ अपना गैरेज संभालो, तुम अपना ढाबा संभालो और तुम साला खुद को संभालो, जाओ। अरे भाई कमाल है। अरे भाई साहब ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? अब क्या बताए, दिखाई नहीं दे रही लेकिन लगी है भैया। अरे यार थैंक यू, तुम आगे वरना ये बहुत तो मारते पकड़ के हाथ पाँव तोड़ डालते हैं, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे ना, हम बहुत शरीफ आदमी है ना। कमाल के आदमी है तुम। अरे हमारा कमाल देखा कहाँ, एक बार लिफ्ट देके देखे। अरे हाँ 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 क्यों नहीं आई। हाँ चलिए। अरे अरे बोलो क्या बोलो। अरे फूट यहाँ से चल। क्या बोलना चाहता है? अरे आपकी गाड़ी ने हमको ठोका, हमने इनको ठोक दिया, इसको 100 रुपए दे दीजिए, गरीब आदमी। ये लो ये लो।
ये लो भाई 100 रुपए। अच्छा चल निकल बे, फिर मिलेंगे। अरे पागल है जो तुझको मिले, भाग। ठीक तो है ना? हाँ एकदम ठीक है, चलिए। हाँ चल चल चल, कहाँ बताएं, एकदम बॉडी हिल गई। शरीफ लगता है, बॉडी जो है हमारी पूरी हिल गई। चल तो भैया हम जा कहाँ रहे हैं? सूरत जा रहा हूँ। सूरत जा रहे हैं? सूरत कहाँ जा रहे हैं? एक लड़की है, देखने जा रहा हूँ। अरे वाह, लड़की देखने जा रहा है, मुबारक हो मुबारक हो। यानी कि आप सूरत के रहने वाले हैं? मुंबई का रहने वाला हूँ, सूरत लड़की देखने जा रहा हूँ। अच्छा मुंबई का रहने वाला है, सूरत लड़की देखने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो एक काम कीजिए ना, हमको पटना छोड़ते हुए सूरत चले जाइए। पटना? ये अपने बगल में पटना है, पटना छोड़ के सूरत चले जाइए। भाई साहब पटना यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है, सूरत सिर्फ 200 किलोमीटर है। अरे बाप रे, तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई। फिर तो एक काम करते हैं, हम आपको सूरत छोड़ते हुए ये गाड़ी लेके पटना चले जाते हैं। हैं? घबराइए मत, गाड़ी फैक्स कर देंगे ना। फैक्स? हाँ वो नहीं, वो देखिए भैया, पहले ही आप बहुत पिए हुए लग रहे हैं, ऊपर से और चढ़ाते ही जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। आपको पता है ना कि दारू पी के गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है। कानूनन जुर्म? हाँ? शायद आप जानते नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? मुंबई के डॉन गोवर्धन का बेटा हूँ मैं। ओहो, मुंबई के डॉन गोवर्धन के बेटे। ओहो, गाड़ी रोकेगा बगल में, जरा बाथरूम लगी थी। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है हमको, क्या है कि हमको तो कभी कुछ होता ही नहीं है ना, हमको कभी कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो है वो शनि जा रहा है और मंगल आ रहा है। क्या जा रहा है? शनि जा रहा है और मंगल आ रहा है। अगर जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं, लगता है कि आपका मंगल जा रहा है और शनि आ रहा है। शनि आ रहा है, टरक आ रहा है, अबे क्या कर रहा है? कितनी जड़ी बूटियां गोल गोल के इसको पिला दी, लेकिन वो उसमें आटा ही नहीं, अभी यही आखिरी नुस्खा है। आ गया तो आ गया। अरे खुली गई आंखों, खुली गई, होश में आ गया भाई, होश में आ गया। मैं कहाँ हूँ? अरे तू मेरे अस्पताल में। तुम कौन हो? अरे मैं ये गांव का हकीम हूँ भाई। मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे तू बाढ़ में बह के आया है भाई, बहुत नसीब वाला है कि बच गया है तू। आधा गांव तो बाढ़ में बह गया, बाकी जो बचे थे ना वो मेरी दवा खा के मर गए। मैं तो बहुत टेंशन में आ गया था कि मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा, लेकिन तेरे को देखा तो मेरे को लगा कि बड़ा आसामी है, इसलिए तेरा इलाज किया मैंने। लेकिन तेरे पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। मेरी अंगूठी, मेरी घड़ी, मेरी चेन कहाँ है? अरे बाढ़ में सबके बीवी बच्चे बह गए, मेरी भी दो दो थी बह गई। क्या बीवियां और तू घड़ी और चेन की बात करता है? What nonsense! अरे तेरे को होश में लाने के लिए कितना कीमती जड़ी बूटी घिस घिस के पिलाया है, 15,000 का खर्चा हुआ है। अरे देगा कौन पैसा? मुझे बांध के क्यों रखा है, पहले मुझे खोलो। अरे खोल देगा तो भाग जाएगा ना तू। देखो देखो, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। हाँ तो वहाँ क्या फ्रॉड लोग नहीं रहते हैं? अरे तेरे बाप का एड्रेस दे पहले, उसको खत लिखूंगा, 15,000 रुपया मंगाऊंगा मनी ऑर्डर से, उसके बाद में तेरे को जाने दूंगा। देखो मेरे डैडी मुंबई के बहुत बड़े डॉन हैं। अरे डॉन है कि ब्रुक बॉन्ड है कि जेम्स बॉन्ड है, उससे मेरे को क्या वास्ता? मेरे को मेरा पैसा चाहिए, उसके बाद में तेरे को छोड़ेगा। अरे मेरे डैडी को फोन लगाओ ना, वो तुम्हारे ऊपर नोटों की बारिश कर देंगे। क्या नंबर है तेरे बाप का? सुबह सुबह बॉडी भी नहीं बनाने देते, बजाने लगते है घंटी, ट्रेंग 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 ट्रेंग। हेलो कौन है? ये डॉन का घर है ना? क्यों क्या हुआ, कोई लुढ़कने वाला है क्या? अरे नहीं, उसका बेटा है ना। तो वो लड़क गया क्या? अरे नहीं भाई, मैंने उसको बचा लिया है, उसके इलाज में 15,000 का खर्चा हुआ है, अगर वो कोई नहीं देगा ना तो मैं उसको लुटका देगा। मेरे भांजे को उड़ाएगा? अबे तेरे को उल्टा लटका कैसे उड़ा डालूंगा ना। या ये बॉडीगार्ड घोड़ा दे रहे। अबे कमती भेजे के क्या किया तूने? अरे जीजा कोई ढक्कन अपने को फोन पे धमकी दे रहा था कि आपके बेटे को उड़ा डालेगा, तो मैंने उसको उड़ा डाला। अबे उल्लू के पट्टे, तू फोन पे गोली मारेगा तो क्या यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी? अरे जब फोन पे आवाज यहाँ की वहाँ पहुँच सकती तो गोली कैसे नहीं पहुँचेंगी। एक बात बता बे, तू कौन सी तारीख को पैदा हुआ था यार? 32। 32 का कैलेंडर तेरे बाप ने बनाया था? मेरे को मालूम नहीं, मैं बाप को जाके पूछूंगा, अगर उसने मेरे को सही से जवाब नहीं दिया मैं बाप को उड़ा डालता हूँ। देखो आप चल निकल निकल यहाँ से। फोन क्या है? फोन तेरी। ए भागो भागो, ए बॉडीगार्ड ऊपर के कमरे में बॉडी बनाएंगे। आवरे आवरे आवरे। चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी ही होश आ जाएगा। हाँ थैंक यू, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, डोंट वरी भाई।
सर आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं इसके बाप को फोन कर देता हूँ कि एक्सीडेंट हुआ है। उल्लू के पट्टे, तेरा स्क्रू ढीला हो गया क्या? सुन, किसी को कानो कान भी खबर नहीं होनी चाहिए कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। क्यों, एक्सीडेंट आपने करवाया था? शट अप। सुप्रीमो तो यही सोचेगा ना कि मैंने ही इसे मरवाने की कोशिश की है, और इसका बाप गोवर्धन जो मेरा जानी दुश्मन है वो तो यही कहेगा कि ये मेरी ही साजिश है। वो तो अच्छा हुआ कि सब के सब सैराब में बह गए और मेरा होने वाला दामाद बच गया। दामाद? हाँ दामाद। सच पूछो तो ये नहीं बचा, मैं बच गया। हाँ करेक्ट सर। मेरी बेटी मुंबई से आती होगी, बस एक बार इसे देख ले, पसंद कर ले, मेरी जान छूटे। सर लड़का वैसे हीरो लगता है। अगर इस हीरो को कुछ हो जाता ना तो यहाँ खून की नदियाँ बह जाती हैं। और उस नदी में आप भी बह जाते। फिर बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो। जी सॉरी, अकलमंदी की बात करो। हाँ बको। अगर इसके बाप ने दहेज में पूरा गुजरात मांग लिया तो? नहीं नहीं, मैं गुजरात नहीं दूंगा। हाँ हाँ, मैं 500 करोड़ रुपए तक दे दूंगा। अगर 500 करोड़ के लिए भी नहीं माना तो? अरे तू क्यों तोल मोल कर रहा है, तू क्या उसका दलाल है? नहीं जी, आपका नमक हलाल हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर अगर वो 500 करोड़ रुपए तक नहीं माना तो मैं उसे 800 करोड़ रुपए दहेज में दे दूंगा। हाँ क्या बात है। अच्छा अच्छा, चल 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 चल, ये जा यहाँ से, उसे आराम करने दे। चल 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 चल। शंकर भोले, अब हम समझे तुम क्या बोले है। अरे वो पंडित तो एकदम सही बोला था भाई कि शनि जा रहा है और मंगल आ रहा है, और ये गलियों का बालक महलों का दामाद होने जा रहा है। शंकर बोले, अब हम समझे तुम क्या बोले। अब जब तुमने हमको अमीर बनाने की ठानी ली है तो हम पीछे थोड़ी नटेंगे, टोटल कोऑपरेट करेंगे भाई। अच्छा हुआ दामाद जी को होश आ गया। अरे होश तो साला दो बार आया था, लेकिन दोनों बार बेहोश हो गए ना। क्यों? सीधी बात, एक बार 500 करोड़ सुन लिया, दूसरी बार 800 करोड़ सुन लिया। एक बात बताओ, ये बुढ़ाऊ के पास इतना माल है कि ठोक रहा था। अरे 500 करोड़ 800 करोड़ की बात कर रहे हो? आपके ऊपर 1000 करोड़ उतार कर फेंक सकते हैं। क्या फेंक रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है हमें? अरे उनकी बेटी के साथ आपकी शादी होने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो तो बात ठीक है, मगर ये बात बताइए कि अपनी बेटी पर इतना माल क्यों लगा रहे हैं? कहीं चरित्र खराब तो नहीं है इसका? नहीं नहीं, उसका चरित्र खराब नहीं है, उसका दिमाग खराब है। अच्छा पागल है? पागल नहीं, पागल नहीं है, लेकिन 100 पागल के बराबर है समझो। अच्छा गुस्सैल है? गुस्सैल हाँ, जैसे पागल घोड़ी को काबू मिलाना पड़ता है ना वैसे। अरे उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, हमने बिहार की आधी घोड़ियों की तबीयत ठीक कर दी थी। एक झलक देखने मिला कि कन्या की? हाँ वो फोटो है ना उसका। है किधर है? शंकर भोले, अब हम समझे तुम क्या बोले। अरे एकदम सही जगह भेज दिया भाई। दामाद जी होश में आ गए। अच्छा ये क्या, ये तो फिर से बेहोश हो गया। दामाद जी सर, हम कहाँ हूँ, ये किसका खोली है भैया? खोली? बेटा ये तो बंगला है, बंगला। तो हमने कब कहा कि रानी बाग का जंगला है? आप कौन है भाई? बेटा मैं तुम्हारा होने वाला ससुर हूँ। ससुर जी, अब पाए लगू। क्या हुआ? तुमने मेरे पाँव छुए। तो क्या हो गया, पाँव छुए तो है, पाँव पकड़ के घसीटा थोड़ी है आपको? नहीं नहीं बेटे, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब है कि मैंने सुना था कि तुम लंदन में रहे हो, इंग्लिश हो। तो क्या हो गया, माँ तो बिहारी है, हाय, और हमारा तो ऐसा ही है, हिंदी मिला तो हिंदी, सिंधी मिला तो सिंधी। आप कौन है, हिंदी है कि सिंधी है? मैं दबानी हूँ भाई। मानिया? नहीं नहीं, दा, दा, जा, मानी, मानिया। ओहो, अरे ये तो बहुत ही क्यूट और फंटास्टिक नाम है भाई। बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो नॉटी बॉय। ऐसे एक बात बताए, आपकी बेटी जो है ना वो हमारी बातों से भी मीठी है। तुम मेरी बेटी को कहाँ मिले हो? वो लड़की भी देख लेना तस्वीर, आइडिया लगा दिए। अच्छा अच्छा, एक एक बात कहूँ बेटा, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं मानेंगे नहीं, आप बताइए। शादी के बाद तुम घर जवाई बनोगे? बनोगे, बन गए, हमको सूट करता है ना। शाबाश शाबाश। चलिए 10,000 रुपए निकालिए। अरे 10,000? मुंह दिखाएगा।
बड़ा जोक करते हो तुम। अच्छा बड़ा चालू हो ससुर जी, 10,000 रुपए मांगे तो जोक करते हो, बहुत चालू। अरे 10,000 क्या, मैं तुझे 1,00,000 रुपया दे दूंगा। तो 10,00,000 रुपया निकालिए ना। अरे पर अभी तो तुम 10,000 मांग रहे थे। हमारा ऐसे ही है, हमको कोई उंगली पकड़ा था तो हम गर्दन पकड़ लेते हैं। हमारे एरिया में आदमी जो है ना हर फील्ड में 10 कदम आगे चलता है। बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। वो भी ऐसे ही पैसे मांगता था। अरे आज भी हमसे मांगते हैं। चालू साला। हेलो। हाँ दमानी, मेरा बेटा पहुंचा। हाँ गोवर्धन। हाँ हाँ भाई, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ पहुंच गया। बेटा जरा फोन देना, मुझे उससे बात करनी है। हाँ हाँ लो बेटा, अपने बाप से बात करो। तबियत खराब है तबियत। बेटा बाप से बात करो। उन्होंने पैसे मांग लेंगे ना। पर पैसे मांगते हैं। अरे अरे भाई ऐसा कुछ मत करना। हाँ एक मिनट एक मिनट, अपने बाप से बात करो, उनसे बात करना चाहता है। विकी बेटा तू हंस रहा है? अरे जोक मार रहा है ससुराल में। ससुर जी मारा बोलो तो मार रहा है। बेटा बेटा, अरे तू मेरी बात तो सुन। बेटा इधर भी बेटा उधर भी बेटा। अरे बेटा तू पागल वागल तो नहीं हो गया कहीं? पागल हो गया हूँ, इसको भी पागल कर दूंगा। अरे तेरी खोपड़ी ठिकाने पे के खिसक गई है। अब मेरी खोपड़ी खिसक गई, अभी तुम भी खिसक लो। बेटा ये क्या, इतना हंस के क्यों बात कर रहे थे? और डैडी और तुम्हारी दुश्मनी है ना। हाँ। तो ऐसा लगना चाहिए ना कि हम खुश हैं आपके यहाँ। मेरा दामाद कितना हंसमुख है, मेरी बेटी के तो बाल खुल गए। अब आगे आगे देखिए और क्या क्या। हाय डैड, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग माय डार्लिंग। क्या बात है, फोन पे फोन, फैक्स पे फैक्स, कम सून कम सून। भाई हमने आपके लिए एक लड़का ढूंढा है। What? अरे उसे देखोगी ना तो देखती रह जाओगी। अब देखती कहाँ रह जाएगी, ये हमारी बैंड बजा देगी साली। मैं उसकी पहले तस्वीर देखूंगी, मुझे पसंद आया तो मिलूंगी, वरना नहीं। हम जानते थे तुम यही कहोगी, इसलिए हमने तुम्हारी तस्वीर के साथ उसकी तस्वीर लगा रखी है तुम्हारे कमरे में। जाओ जाकर देख लो। अम्मा ये तो आ रही है। ओह शंकर बोले, हम नहीं समझे कि तुम क्या बोले। शंकर भोले, अब हम समझे कि तुम क्या बोले। कुछ दिनों के लिए लटके रहो भैया, आने वाले कल में इस घर के हर पलने में हम ही हम झूल रहे होंगे। चुनेंगे। बिल्कुल हीरो है हीरो। बेटी हम भी हीरो की परख रखते हैं। हाँ। कैसी हो बेटी, ओके? बिल्कुल ठीक। मैं उससे मिलना चाहती हूँ डैड, कहाँ है वो? वो मिनी थिएटर में पिक्चर देख रहा है। आ गले लग जा, जा गले लग जा। मैंने कुछ गलत कहा? हाथ नीचे करो जी। हाय अजू। हाय प्रीतू। आप कमाल का खेलते हो। मैं तो बचपन से ही खेल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए आप अगला मैच कहाँ खेल रहे हैं? मुझे तो लगता है कि मैं अपनी जिंदगी के बचे हुए सारे मैच आप ही के कंपाउंड में खेलूंगा। कभी आपके हॉल में, कभी बाथरूम में, कभी बेडरूम में, तो कभी किचन। You're so funny. I don't know why, but whole world says like that. You know, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। But I don't know कि मैं कैसे यकीन कर लूँ। ओह, इसका मतलब आपने मुझे सिलेक्ट कर लिया? कहीं लाइट ऑन होते ही आप हमको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे? No, never. अरे, ए लाइट कहाँ ऑन कर दी बे? हमारा बोलने का मतलब है कि भाई साहब आपने लाइट काय को ऑन कर दी भाई। इंटरवल हो गया साहब। अरे यहाँ तो दिया एंड हो जाता ना। अच्छा बोला, तीन चौका गाल पे मिला था, चौथा होठ पे मिलने वाला था, सारा खेल खराब कर दिया भाई। डोंट वरी, आप अपना चेहरा तो घुमाइए। हाँ लीजिए। तुम ए देखो, तुमने हमको कहा था कि तुम हमको रिजेक्ट नहीं करोगे। रिजेक्ट नहीं, मैं तुम्हारा मर्डर कर रही हूं। अरे
ए, देखो हम औरतों से युद्ध नहीं करते, प्रेम करते हैं। ये क्या बचपना है? तुमने हमारे होने वाले दामाद पर गोलियां चलाई? वो आपका दामाद नहीं हो सकता। क्यों? तस्वीर देखकर तो बड़ी उछल रही थी। वो किसी और की तस्वीर थी डैड। क्या बात करती हो? जी हाँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए। अरे ये तस्वीर उसी लड़के की तो है डैड। ये वो तस्वीर नहीं है जो मैंने देखी थी। तुम पागल हो गई हो, पागल। ससुर जी, आपकी बेटी हमको देख के बार बार झटपटा गायब हो जाती है, इसका कहीं कोई लफड़ा तो नहीं चल रहा? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, हमारा मतलब है कि कहीं कोई चक्कर चल रहा है क्या? पपलू तो फिट है हम दोनों का। मैं तुम्हें जमीन में गाड़ के तीरों से मार दूंगी। अरे ये तो इंग्लिश पिक्चर का सीन है, हमने बिहार में ट्यूरिंग टॉकीज में अपनी आंखों से देखा था। शट अप डैड, आप इसे इसी वक्त इस घर से निकाल दीजिए ना। डैडी आप फोन अटेंड कीजिए, फोन की घंटी बज रही है, हम बोल रहे हैं। देखा, हमारी बात सुन ली है? यस यस सुप्रीमो। दमानी, मामला कहां तक पहुंचा? वो क्या है कि गोवर्धन के बेटे को तो मेरी बेटी बहुत पसंद है, लेकिन मेरी बेटी को जरा कान खोल कर सुन लो, अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो हम गुजरात का राजपाट तुमसे छीन लेंगे और तुम सड़क पर आ जाओगे, समझे? अब तुम कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ राजा के साथ होगी। ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं, सुप्रीमो का फैसला भी है। चलो बेटे। समझिए अब। Bloody Joker. अरे यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब तुझे वो लड़का ही पसंद नहीं है तो फिर तेरे डैडी तेरी शादी उससे क्यों कराना चाहते हैं? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है, उस इडियट ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। तू उसे घर से भगाना चाहती है ना? तो एक काम कर, एक गुंडा है पाशा भाई, तू उससे जाकर मिल, वो पैसों के लिए कुछ भी करता है, वो उस राजा को भिखारी बना देगा, घर तो क्या, वो ये शहर छोड़कर भाग जाएगा। रियली? हाँ, अरे कमाल का आदमी है, देखता इधर है बात उधर करता है। छोड़ना नहीं है, अबे कालिए, छोड़ना नहीं है, ये, अबे मार चौका, अबे पैसे लगे मार। पाशा जी। हाँ, ये 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 आइए बैठिए, सोफा बैठिए। सोफा? सोफा कहाँ है? ये क्या है? ये तो टीवी है, सोफा तो यहाँ है। अरे मालूम है सोफा यहाँ है, लेकिन मेरे को दिखता यहाँ है, जैसे टीवी यहाँ है मगर मेरे को दिखता यहाँ है। अरे बाप रे, ये तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। You are right. भगवान जब मेरी आंखें फिट कर रहे थे तो उनका हाथ हिल गया था, जब से ये माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन धोने के धंधे में नहीं, जिसको धोना चाहे उसको धोके सुखा डाल दिया पुण्य। बोलो क्या काम है? एक लोफर को सबक सिखाना है। सिखा देंगे, अगर कुंवारा है तो उसको मार मार के जोकर बना देंगे, अगर शादीशुदा है तो उसको मार मार के बीवी का नौकर बना देंगे, जैसे अपुन है। उसकी हड्डी पसली करनी है। कर देंगे, अगर आप कहे तो अस्पताल में खटिया बुक कर देते हैं, महीने के लिए, छह महीने के लिए, एक साल के लिए, बोलो। नहीं नहीं, एक महीना बस। जी हाँ, दरअसल मैं उसे डरा धमका के अपने घर से निकालना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। मेरे बारे में क्या ख्याल है? What? अरे मेरा मतलब है मुझसे ज्यादा वो स्ट्रांग तो नहीं है। क्यों? डर लगता है। क्या बात कर रही है? अरे मेरा मतलब ये है कि अगर मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है तो उसको धोबी घाट में धुला देते हैं, अगर मीडियम साइज का है उसको वॉशिंग मशीन में धुला देते हैं, अगर मरियल है तो उसको एरियल तोड़ के हाथ में दे डालूंगा। बोलो किसको धोने का है, कौन है वो? देखो बेटा, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। हाँ हाँ। हर सुबह रोजाना तुम उसे फूल दिया करो। समझ गए समझ गए। फिर देखना वो। समझ गए समझ गए समझ गए, हम समझ गए। मतलब कि आपके बगीचे का जो फूल है उनको फूल बनाने के लिए हमको फूल का इस्तेमाल करना होगा। हाँ। वो देखिए वो रहा। देख लिया ना? अच्छी तरह देख लिया ना? अरे अच्छी तरह देख लिया, ये तो पहले से धुला हुआ लगता है, लगता है बहुत ने धोया इसको। बहुत चर्बी चढ़ी है इसको। सॉरी, चर्बी उतार दूंगा मैं। ये दूसरा कौन है? अरे वो तो मेरे डैडी है, उनको कुछ मत करना। डैडी है? बचपन में शादी हुई थी क्या? मतलब? अरे मेरे को क्या कर रहेगा, मेरा तो काम है घुमा घुमा के कूटने का। एक काम करो, तुम घूम के आ जाओ, तब तक का मैं इन लोगों को घुमा देता हूँ। क्या? ओके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखो पप्पो, तीनो महेंद्र आ गए तुम लोग। क्या हुआ पाशा भाई? आ जाओ, एक को कंप्यूटर इंटरनेट में देने का कस के क्या, चलो मेरे साथ। चलो पाशा भाई। हे हे, कौन है तुम? आप बताइए ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, अरे अरे अरे,
डैडी पाशा ने इसकी सुपारी ली है। अरे सुपारी ली है तो क्या पूरा पान खा जाओगे? तुम्हारी बेटी ने इतने पैसे छोड़ दिए? हमारी बेटी? अरे क्या बकवास कर रहे हो, रोको उनको वरना मर जाएंगे वो। अरे नहीं मरेगा, जितने पैसे लिए उतने बम्बू मार रहे हैं हमारे छोकरे। ये यहाँ देखकर क्या बोल रहे तुम? अरे मैं यहाँ देख रहा हूँ, इसका मतलब सही देख रहा हूँ यार। ओहो यानी कि तुम घूमे हुए हो यार। हमारी बात सुनो तुम यार, हमारी बात सुनो यार। क्यों बोला क्या? रॉन्ग नंबर लग गया है, तुम्हारा रॉन्ग नंबर लग गया है। देखो दमाद समझ के जिसको तुम मार रहे हो वो ससुर है, और ससुर समझ के जिसको तुम छोड़ रहे हो वो दमाद है। क्या बात कर रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो। इतना बड़ा मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक। हमारे छोकरों ने इसको चप्पड़ फाड़ के मार दिया है। मारा तो है, अभी क्या करेंगे? चलो रे हाँ। जा रहे हो? निकलो, एक मिनट ठहरो। जाना चाहते हो? हाँ। मुश्किल लग रहा है जाना। क्या बात करते हो? इसलिए बोल रहा है कि जिसको तुमने मारा है हाँ। हम समझ के हाँ। वो मालूम है कौन है? कौन है? शहर के सबसे बड़े डॉन। आज के बाद तुम्हारा केस जो है हाँ। वो गॉन है। अब अपना केस खुद झेलो छप्पल फाड़ के। ये डॉन तो मुझे मारेगा चप्पल फाड़ के। ए भागो रे भागो। लटका के इसको क्यों मार रहे भाई? इसको इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इसने दमानी साहब को उल्टे हाथ से सलाम किया था। उल्टे हाथ से सलाम किए इसलिए मार रहे हैं? हाँ। अरे मैंने तो बब्बू मारा है यार, मेरा क्या होगा? मेरे भाई वो यार। ये हाथी का पाँव किसका है? ये हाथी का पाँव नहीं, दमानी सेठ का पाँव है। अरे जिसका पाँव इतना बड़ा हो वो आदमी कितना बड़ा होगा, उसका दिल कितना बड़ा होगा, उसका हर चीज बड़ा होगा प्रभु। ए, काम क्यों रहा है? मुझे घबराहट के मारे मलेरिया हो गया है। ये मेरा कसूर नहीं है, मेरी भरी हुई आंखों का कसूर है। आपकी बेटी ने आपके होने वाले दामाद को मरवाने के लिए मुझे सिफारिश दी थी, मगर मेरी भरी हुई आंखों ने आप ही को फिरा दिया है। मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। निकाल दो साहब जी, निकाल दो। मैं इन आंखों से कंटाल गया हूँ, इन्हें निकाल के अपनी लगा दो। बेवकूफ, जानते हो इसकी सजा क्या है? जानता हूँ, देखा मैंने बहुत उल्टा उल्टा लटका लटका के मारते। सर इसे गोली से उड़ा दो। अरे मैं तो जिंगूर हूँ, मुझ पे देखा हूँ, स्प्रे मारो। स्प्रे मारने की भी जरूरत नहीं है, खाली डब्बा दिखा दो, मैं डब्बा देखते मर जाऊंगा। मेरे भाई मुझे गोली से मारोगे पूरा गुजरात तुम पे थू थू करेगा। नहीं जो तुमने किया है ना हाँ। उसकी सजा सिर्फ मौत है, ले जाओ इसे। अरे ससुर जी सब कहाँ कर रहे हैं आप हाँ? कहाँ आप शेर आदमी, कहाँ ये खटमल, छोड़ दीजिए बेचारे को। मैं खटमल नहीं हूँ, मैं जिंगूर हूँ। चुप कर, फोकट में मारा जाएगा बे। हाँ जी छोड़ दीजिए बेचारे खटमल को। नहीं ये हमारी दुनिया का असूल नहीं है। अरे हमारा बच चला तो आपकी दुनिया का असूल तो क्या, हम आपकी दुनिया ही बदल दें। देखिए हम जितना दिन यहाँ पर गुजरात में रहेंगे ना, हमको हत्या वत्या पसंद नहीं है। आप अपना असूल बदलिए वरना हम हाँ, नहीं। हाँ। ठीक है, हम अपने अच्छे दामाद जी के कहने पर तुम्हारी जिंदगी को बख्शते हैं। हाँ जाओ भैया जाओ, जाओ निकल जाओ यहाँ से, दफा जाओ। जाओ भैया। थैंक यू दमानी जी। हाँ? अरे दमानी जी का नहीं, दामाद जी को थैंक यू कहो। दामाद जी थैंक यू। अरे हम यहाँ है, थैंक यू। अरे यहाँ इधर हम देख रहे हैं। अरे हम यहाँ है भाई, हम देख रहे हैं। अरे कहाँ से देख रहे हो? हम बॉर्डर की पैदा जाए, सब ऐसे दिखता है। अरे तुम जाओ यार, तुम फोकट में मारे जाओगे। फोकट में यार, ये शरीफ आदमी इसको काहे मार रहे थे बेचारे को? इस लू के पट्टे ने हमारी टांग तोड़ दी। क्या बात कर रहे हैं? एक बात बोले ससुर जी, आपकी टांग टूटी अच्छा हुआ। हाँ आपकी नहीं टूटती तो हमारी टूट जाती ना, और हमारी रेडी आपको पकड़ लेते फिर। समझ रहा है ना? ठीक है। एक बात कहें ससुर जी, आपकी बेटी इससे पहले कोई दूसरा गुल खिलाए ना, आप उसके और हमारे बीच में जो कुछ भी कर रहा है कर डालिए। लेकिन तुम्हारे मम्मी डैडी। अरे मम्मी डैडी को छोड़िए, पता चला जब तक वो आया आप चल पड़े। हाँ आपकी टांग के बाद टेंशन हो गया है ना हमको। ठीक है हम कल ही तुम दोनों की मंगनी का ऐलान करेंगे। ये अरे दमानी भाई, गोवर्धन भाई नजर नहीं आ रहे। दमानी भाई तुम तो बोलते थे कि गोवर्धन तुम्हारा दुश्मन है और उसको फिरा डालेंगे, मगर तुम खुद ही फिर गए दमानी भाई। अरे भाई ये हमारा फैसला नहीं है, ये सुप्रीमो का फैसला है। तो शादी नहीं ये समझौता है, तो फिर बुलाइए लड़का लड़की को और सगाई की रस्म पूरी कीजिए। हाँ बस वो आते ही होंगे, ये लो वो आ गई। लाओ हाँ बेटी, ये अंगूठी तुम इसे पहना दो और तुम इसे पहन। अरे ओम मैम साहब, देखिए ससुर जी हम भी एक डान के बेटे हैं, अपनी बिटिया से कह दीजिए कि चुपचाप हमारा दिया हुआ छल्ला अपनी उंगली में डाल ले। तुम क्या समझते हो
ये मामूली सा छल्ला पहना के तुम मुझसे शादी कर सकते हो? इम्पॉसिबल। उंगली में डाल मेरा छल्ला, छल्ला छल्ला, कहना मेरा मान ले तू वरना यहाँ जान मेरी मैं तो मचा दूंगा हल्ला। उंगली में डाल मेरा छल्ला, छल्ला छल्ला, ए उंगली में डाल मेरा छल्ला। दिन की कहानी पे नाज करना जवानी पे, सच कहता हूँ मैं रानी ना जले आग पानी पे। नहीं नहीं मैंने कहीं पहले कभी देखी नहीं इतनी अधड़ वल्ला वल्ला। उंगली में डाल मेरा छल्ला, छल्ला छल्ला, हे उंगली में डाल मेरा छल्ला, छल्ला छल्ला। छल्ला छल्ला लाल जोड़ा मैं लाऊंगा, जाऊंगा कोई रोकेगा क्या मुझको, तुझे दुल्हन बनाऊंगा सारी उम्र छोड़ूंगा ना संग तेरा राम कसम, मैं हूं बिहारी लल्ला। उंगली में डाल मेरा छल्ला, छल्ला छल्ला, अरे उंगली में डाल मेरा छल्ला, छल्ला छल्ला, कहना मेरा मान ले तू वरना यहाँ जान मेरी मैं तो मचा दूंगा हल्ला। उंगली में डाल मेरा छल्ला, छल्ला छल्ला, अरे उंगली में डाल मेरा छल्ला, बोलो दमानी, मैं गोवर्धन। हाँ बोलो। अरे क्या कमबख्त, मेरे बेटे को वहाँ बुला के तूने उसकी मंगनी कर डाली? अरे भाई कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे कि तुम्हें बिना बुलाए ही मंगनी करनी पड़ी। हाँ मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, और मैं आके उसकी शादी की तारीख पक्की करूंगा। ओके। क्या बात है ससुर जी, सवेरे सवेरे फोन पर किससे बात कर रहे थे? तुम्हारे बाप से। तो फोन हमको थमा देते, हम उनको हंस हंस के बोर कर देते। अरे अब हमें बोर करने के लिए खुद आ रहा है। यहाँ आ रहे हैं? कितना घंटा में आ रहा है? दो चार घंटे में। दो चार घंटे में शंकर बोले, हम नहीं समझे कि तुम क्या बोले। क्या बोला? आप नहीं समझेंगे, बाद में मालूम पड़ेगा। है? अरे तू क्या कर रहा है, इतनी जोर से हॉर्न क्यों बजा रहा है? हर कोई आदमी बीच रास्ते में चल रहा है सर। कौन है? ये तो कोई साधु महाराज लगते हैं। ए, तू साइड में गाड़ी रोक। शंकर भोले, हम समझ गए तुम क्या बोले। अरे महाराज महाराज एक मिनट जरा सुनिए तो। तू हमें काली दुनिया के काले बिच्छू हो तुम। क्या बोलता तू? ए, तुम नेवला हो, ए, तुम सांप हो। ए, दिखता नहीं है, ये अंतर्यामी बाबा है। जाओ चलो। हुकुम महाराज। हुकुम क्या, अपने दुश्मन की तिजोरी का माल अटने जा रहे हो ना, उसी के लिए अपने बेटे को गुजरात भेजा है ना। हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये बताइए मैं उसका माल खा सकूंगा कि नहीं? खाओगे अवश्य खाओगे, मगर तुम लात और जूता खाओगे, माल नहीं खा पाओगे। किसकी माँ ने दूध पिला जो मेरे को जूता मारे? तुम्हारे भाग्य की माँ ने, और भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता। इसका कोई उपाय? एक ही उपाय। क्या? गुजरात जा रहे हो ना अपने बेटे से मिलने? हाँ। के लिए शक्ल मत देखना उसकी, अगर तुम अपनी आँख उसके ऊपर डालोगे तो वो वही भस्म हो जाएगा और उसकी आत्मा बिलकेगी या वहां भटकेगी। इससे बचने का कोई रास्ता कोई उपाय तो बताइए ना। बता कई रास्ता है। क्या? ये झरने वाले बाबा के झरने में धुला हुआ ये काला पट्टी, ये काला पट्टी तुम अपनी आंखों पर बांध देना और उसके बाद देखना बच्चा कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन आंख पे पट्टी बांधूंगा तो उसको देखूंगा कैसे? मन की आंखों से देखना, मन की आंखों से,
और उसके बदन को गले लगाकर उसका एहसास कर रहा। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंख पर शनि भारी है, तुम जिसको प्यार से देखोगे वो भस्म हो जाएगा। मेरी हल्का कब होगा? जब तुम गुजरात से मुंबई लौटोगे। अगर मैं अपने बेटे से मिले फिर गुजरात गया तो ये फिर से भारी हो जाएगा। अरे क्या ये शनि मेरे साथ साथ घूम रहा है क्या? ज्यादा सवाल मत पूछो, हमारा तरंग जा रहा है। कौन सा तरंग जा रहा है? तरंग जा रहा है। बोलिए बाबा। बाबा प्रणाम। नहीं बाबा कुछ मत बोलिए। आप कौन है? ये बाबा बड़बोले है, इधर उपी के जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। अच्छा बाबा क्या चाहिए? वही हरी हरी पत्ती सोगी दे दो। अच्छा। दे दो। हाँ। बहुत खतरनाक बाबा है। लो महाराज। जा बाबा। हाँ बाबा जल्दी जाओ। नमस्कार। अब एक और आ गया। हाँ। वो सामने वाली पहाड़ी है। हाँ? उसके पीछे एक झरना बहता है, उसमें से एक बाल्टी पानी निकालना और उसको गर्म करना। एक बाल्टी पानी? मैं बाल्टी कहाँ से लाऊंगा? उसके बाद एक घंटा स्नान करना और उसके बाद गुजरात की तरफ प्रस्थान करना। हम तुमको वहीं मिलेंगे, हम पहुंच रहे हैं वहाँ। शंकर बोले, हम समझ गए तुम क्या बोले। अभी मैं बाल्टी कहाँ से लाऊं? फिर बाल्टी को गर्म करना पड़ेगा, फिर एक घंटा उसे नहाऊंगा, फिर ये भी पहुंच रहा है। ये कैसे पहुंचे? ये तो पैदल आ रहा है, मैं गाड़ी में आ रहा हूँ। ये मेरे को पागल बना देगा। हेल्प यही रोको। दमानी। वेलकम वेलकम गोवर्धन भाई। कैसे हो? यार लगता है तूने मेरे बेटे का दिल जीत लिया है। एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। नहीं बोल, क्या है? अरे तू कहता है कि तू राजा का बाप है, लेकिन वो किसी एंगल से तेरा बेटा लगता नहीं है वो। हाँ क्या मतलब? अरे भाई कहां तू फांदेबाज लफड़ेबाज डबल गेम खेलने वाला, और कहां वो बेचारा मासूम है? कहीं पालने में बच्चा बदल तो नहीं गया था? बेटा मैं तेरे पोल खोलूंगा ना तो घर छोड़ के भाग जाएगा। चल 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 बैठ बैठ बैठ। यहाँ बैठ। और सुना कहाँ है मेरा बेटा यार? हाँ हाँ बुलाता हूँ भाई, इधर है। एक मिनट, ऊपर है। हाँ तुम, मैं वहाँ बैठता हूँ। क्या हुआ क्या हुआ भाई? नहीं वो मेरा कुछ टेंशन है। हाँ? नहीं वो, अरे बताता हूँ ना यार बातें। तू राजा बेटे, ये तो पट्टी लगा के नहीं आए। अरे राजा बेटे नीचे आओ, तुम्हारे डैडी तुमसे मिलने आए हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट, आने नहीं, ठहर जा। अरे ये क्या कर रहे हो? अपने बेटे से आंख में चोली खेलोगे क्या? नहीं यार, वक्त मेरे साथ आंख में चोली खेल रहा है। अरे जी क्या बचपना है भाई। बचपना नहीं है यार, ये विश्वास है, तेरे को मालूम नहीं है। हाँ बेटा आ जा। आवाज का क्या करें? सेब है? तेरी आवाज को क्या हो गया? सेब खाओ नानी, सेब। सेब। ये क्या बोल रहा है? सेब खा रहा है, सेब। सेब खा रहा है, इसलिए तेरी आवाज समझ में नहीं आ रही है। आ जा मेरी आंख के तारे। क्या आंख का तारा भी बोल रहे हो? आंखों पे पट्टी बांध रखी है, निकालो ना ये पट्टी। अरे पट्टी को हाथ मत लगाना। क्यों? तू मेरा माथा देख, मेरी नाक देख, मेरा मुंह देख, मगर मेरी आंखें मत देख। लगता है फिर किसी पंडित जी ने डैडी को झटका दे दिया। तेरे कैसे मालूम है? तो नहीं बात है, अपने डैडी के दिल की बात बेटा नहीं जाने का तो कोई बगल वाला जानेगा क्या? देखा मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है। वाह नहीं मैं इधर हूँ इधर। ओ देखा मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है। हाँ वो तो है। आजा बेटा इसी बात पे गले लग जा। अरे दमानी तू हट ना यार। मैं दमानी नहीं हूँ, मैं हूँ राजा। अच्छा हाँ, ये तेरे मसल इतने मोटे कैसे हो गए? हवा पानी पड़ रहा है ना, हवा पानी। तेरे कान कितने मोटे हो गए? ये हवा पानी से आदमी इतना तगड़ा हो जाता है? नहीं वो उनके उनकी बेटी का प्यार भी तो है ना डैडी। अच्छा। और प्यार में आदमी का मसल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सुना? हाँ। क्या बोल रहा है मेरा बेटा? भाई देख रहा हूँ कि बाप बेटे में कितना प्यार है। अरे भाई राजा तुम गले ही मिलते रहोगे या अपने बाप के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम भी करोगे? क्यों हम कोई नौकर है? नहीं 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 नहीं, मुझसे तो पूछा कि मैं कुछ खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। कमाल है, मैं क्या पट्टी बनवा के यहाँ खाना खाने आया हूँ? मैं यहाँ शादी की तारीफ पक्की करने आया यार। यार एक प्रॉब्लम है। काहे की प्रॉब्लम? ये दोनों हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं, इन दोनों के आपस में जम नहीं रही है। बस हाँ? कमाल का आदमी है यार। अरे दोनों कुछ दिनों के लिए एक साथ बाहर भेज दे, ऐसे जम जाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छा ख्याल है यार, फंटास्टिक आइडिया। मैं कल ही इन्हें भेजने का इंतजाम करता हूँ। वाह का मजा आ रहा, ऐसा लग रहा है कि किसी बादशाह के टमटम में बैठ के उसके बन में घूम रहा है। वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? जहन्नुम में। तो बहुत देरी है वहां जाने में,
और ऐसे भी हम अच्छे लोगों का वहाँ क्या काम। Will you please keep quiet? अरे कमाल है, तुम भी क्वाइट हम भी क्वाइट, तो कैसे होगी लव स्टोरी ब्राइट? Shut up! Okay, okay, ठीक है, हम आपको एक शेर सुनाते हैं। तो शेर अर्ज किया है, बकरी चढ़ी पहाड़ पर, बकरी चढ़ी पहाड़ पर, बकरी चढ़ी पहाड़ पर, बताओ क्या हुआ? अरे सुनो तो सही, बकरी बकरी चढ़ गई पहाड़ पर। फिर क्या हुआ? चढ़ गई, उतर गई। अरे गाड़ी कहीं को रोक दी? रोकी नहीं, रुक गई है। लो कमाल है, पहले लड़की बिगड़ी हुई थी, अब लड़की सुधरी है तो गाड़ी बिगड़ गई है। शंकर बोले, हम नहीं समझे तुम क्या बोले। एनीवे अब करेंगे क्या? शायद पेट्रोल में कचरा आ गया है, मैं जरा देखती हूँ, शायद धक्का लगाना पड़े। अरे तुम कहाँ धक्का लगाओगी, ये मर्द किसान के खिलाफ है, धक्का हम लगाएंगे। संभालो गाड़ी, स्टीयरिंग पकड़े रहो और एक्सीलेटर पे पाओ। ये धक्का, ये अरे 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 शंकर बोले, अब हम समझे तुम क्या बोले। ये धक्के के चक्कर में धोखा दे गई, बताइए इतना घना जंगल में अकेला छोड़ कर चली गई है, कहीं शेर से मुलाकात हो गई तो उसकी जान कौन बचाएगा? और भी तो क्या, शेर शेर है तो क्या हो गया, बिहारी सवा शेर है। हेलो एनीबॉडी होम? हेलो, कहीं से फटी फटी आवाज आ रही, कोई फटफटी तो नहीं आ रही। अरे अरे तेरी तो, अबे कोने में, अरे तू तो वही है। अरे तू भी तो वही है। अरे गाड़ी मेरी है, तो मैंने कब का भी है। अरे पी के चलाओगे तो मरोगे। अरे मरोगे क्या, तीन को मारा है ये गाड़ी से। हाँ, इसका नंबर भी पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है। वाह कितना बड़ा काम किया है, काम करो तुम, पीछे बैठा हम गाड़ी चलाते हैं। अच्छा चल बगल बैठ। हाँ बैठ जा, बैठ गया, चलो वेरी गुड, चल। तू तो क्या गाड़ी चलाता है यार, ऐसा लगता है ना झटका लगता है ना आड़ी हिलती है ना आवाज आता है, ऐसा लगता है मैं सुपरमैन की तरह हवा में उड़ रहा हूँ। शुक्रिया ने हाय राम, बड़ा दुख दिला। अरे ये गाड़ी तो यहाँ खड़ी है, अरे हमको हमारी गाड़ी मिल गई, चलो तुम अपने स्कूटर लगा जाओ। अरे अरे ये कहाँ गया, गिर तो नहीं गया कहीं, ये गाड़ी तो यहाँ है, तो प्रीति कहाँ? ए प्रीति, ए प्रीति, छोड़ दो, नहीं, फंसे, बचाओ, नहीं, नहीं, चलो, इसको, कौन है रे तू? इसको हमारे हवाले कर दे। हलवा है? हाँ। अरे तेरी, हमको जो टकराएगा नाले में घुस जाएगा। चल अरे प्रीति, अब प्रीति तुम रो रही हो, अरे अरे वो लोग भाग गए, भाग गए वो भाई। अगर आज तुम नहीं आते तो न जाने क्या हो जाता। नहीं आते कैसे नहीं आते, हम नहीं आते तो क्या जंगल में पड़े पड़े सड़ जाते। और देखो वैसे भी हम पे भोले जी की बहुत कृपा है, तुमने हमको कहाँ छोड़ा और उसने हमको ठीक समय पर कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन एक बात बता, ये जो हुआ सब हमारी वजह से हुआ, ना हम तुमको प्यार जताते ना सताते ना हम लोग यहाँ पर आते, इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि हम बिहार चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अब पहले हम तुमको तुम्हारे घर पर छोड़ देते हैं, चलो। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। तो घर नहीं जाना तो कहाँ जाओगे? जहाँ तुम ले जाओगे। हाँ? शंकर बोले, हमने बिल्कुल नहीं सुना तुम क्या बोले, अब जरा थोड़ा लाउड बोलो प्लीज, लाउड प्लीज।
तेरे इश्क में पड़ गया रे, ओ तेरे इश्क में पड़ गया रे, तेरे इश्क में पड़ गया रे, ओ तेरे इश्क में पड़ गया रे। मुबारक हो गोवर्धन। अरे भाई तुम्हारा फार्मूला तो बहुत कामयाब रहा। इन्हें बाहर घूमने के लिए क्या भेजा कि शादी का मामला फिक्स हो गया। अब तू फौरन शादी का मुहूर्त निकलवा ले। हाँ अरे बस मैं अभी पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवाता हूँ। मगर तू एक काम करना, जरा मेरे बेटे को फोन देना, बहुत दिनों से बात नहीं की है। ले बाप से बात कर। छोड़िए ना, बोर आदमी का बात। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ, थर्ड रेट आदमी है, लेकिन बात तो है ना, बाप से बात तो करनी पड़ेगी ना। हंसना पड़ेगा। हाँ क्यों? सीधी बात है, बताना पड़ेगा ना आपके घर में खुश है। क्या डैड, Everybody is mad. अबे हिंदी बोल, mad mad क्या लगा रखा तूने? इनको अंग्रेजी नहीं आती। डैड, मैंने और ससुर जी ने मिलकर शादी का मुहूर्त निकाल लिया है, आपको आने की कोई जरूरत नहीं। क्या बकवास कर रहा है बे? अरे मेरा बच्चा हो जाएगा, उसका बर्थडे आ जाने दो, उसके बाद सारे फंक्शन एक साथ मना लेंगे। अबे मैं खुशी का हर जश्न तेरे और तेरे होने वाले बच्चों के साथ धूम से मनाऊंगा। हम लोग है ना सारी तैयारी करके बहुत जल्द अरे गोवर्धन भाई, अरे ये जाने कैसे? अरे आने की कोई खबर नहीं दी तुमने? शादी कितनी जल्दी है क्या? कैसी शादी, किसकी शादी? ये शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? अन्ना का फैसला भूल गया क्या? बात फैसले की नहीं है, बात धोखे की है। वो धोखा जो मेरे साथ हुआ है, वो धोखा जो तेरे साथ हुआ है। धोखा? किसकी मौत आई है जो हमारे साथ धोखा करेगा? कौन है वो? वही जो मेरा बेटा बनकर तेरे घर में घुस आया है। क्या? हाँ। क्या बकवास करता है? ये बकवास नहीं, हकीकत है। मेरा बेटा वो नहीं, मेरा बेटा ये है। ये तेरा बेटा है? तो उस बहरूपियों को बेटा बेटा कहकर तूने फोन पर इतनी बातें कैसे की? वो आवाज बदल बदल कर मुझसे फोन पर बात कर रहा था, और अब मेरी समझ में आया कि वो बात कम क्यों और हंस क्यों जाता रहा था, ताकि मैं उसकी आवाज ना पहचान सकूं। और उस दिन
उस दिन जब तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके सामने बैठे हुए थे और वो बार बार तुझसे कह रहा था कि डैडी पट्टी खोलो, तू खोलता ही नहीं था, वो क्या ड्रामा था? वो राह से मुझे जोशी बन के मिला था और मैं उसके झांसे में आ गया। गोवर्धन, कहीं तुम मुझसे कोई खेल तो नहीं खेल रहा है? कहीं तुम्हारी ये कोई साजिश तो नहीं है? कैसी बात करता है दमानी? अन्ना के हुकुम के खिलाफ किसी ने साजिश किया जो मैं करूंगा? तो फिर ये कैसे हो गया? एक बहरूपिया यहां कैसे पहुंच गया? मैं बताता हूं अंकल, रास्ते में मैंने उसे लिफ्ट दी, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसने इस मौके का फायदा उठाया और यहां पहुंच गया मेरी जगह आपका दामाद बनने के लिए। शाबाश शाबाश, दुनिया की गर्दन काटने वालों की नाक काट गया एक सड़क छाप लौंडा। अरे हम उसकी गर्दन काट डालेंगे, बारूद के ढेर पे बैठकर आग से खेला है उसने। कहाँ है वो? आओ मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए ना। चलो मुझे सो रहा है हरामखोर। सर क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या क्या कर रहे हैं आप? किसे मार रहे हैं? इस बहरूपिये को। लगता है सठिया गया। शट अप, ज्यादा बकवास की तो गोली मार दूंगा। सर भूल गए, आप ही ने बेटे और राजा को शादी की शॉपिंग के लिए फौरन भेजा है। क्या, मेरी मंगेतर को उस धोखेबाज के साथ फौरन भेज दिया? ना जाने वो क्या कर रहा होगा उसके साथ। क्या करेंगे, फौरन का लोकेशन है, गाना गा रहे होंगे दोनों। चट
ओह माय गॉड, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। अरे हमने तो कुछ किया नहीं, तुम लूटी कैसे? राजा, कोई सारे पैसे लेके चला गया है। अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अरे काहे को चिंता करती हो, तुम्हारे डैडी का फौरन किसी ना किसी बैंक के अकाउंट के अंदर 2 नंबर का माल तो पड़ा होगा ना। हाँ जरूर। हाँ तो मोबाइल निकालो। हाँ स्मार्ट आदमी है, ऐसी थोड़ी बात है। अच्छा अच्छा। इंडिया का 0091 है ना? हेलो। हाँ अपना अंकल, हम बोल रहे हैं। कहाँ बात करते हो? नहीं नहीं अबे कार्ड पे, अरे फोन जल्दी रख। क्या हुआ? अरे कहाँ बता, इंडिया में बहुत गड़बड़ हो रही है, पुलिस वाले अंडरवर्ल्ड के काफी लोगों को पकड़ के ठपा रहे हैं। मतलब डैडी? नहीं उड़े नहीं, लेकिन अंडरग्राउंड हो गए। हाँ साल में 6 महीने वो अंडरग्राउंड ही रहते हैं। क्या पिछले जन्म में मेंढक थे क्या? क्यों नहीं, वो भी साल में 6 महीने अंडरग्राउंड रहता है। उफ शट अप राजा, अब बिना पैसे की क्या करेंगे? अरे काहे को चिंता कर रही हो, फौरन में आके हम जैसे जवान मर्द लूट जाए, ऐसे तो बुरे हालत नहीं। इतना कॉन्फिडेंस? बिहार के है ना, हम लोग के पास धमाल कॉन्फिडेंस होता है, यूज नहीं करेंगे तो साला वेस्ट हो जाता है। अच्छा अभी बताओ किसको लूटेंगे? अरे तुम जिसकी तरफ इशारा करते हो लूट डालेंगे साले को। अरे बोल रहे वो वाला, उसने बहुत सारी सोने की अंगूठियां पहन रखी है, लूट ले उसको। देखो चालू आदमी की बेटी, नजरें बहुत तेज है तुम्हारी, बहुत करा रही। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, विल यू कम आउट फॉर 1 मिनट, आई वांट टू शेक माय हैंड विद यू। ओके थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, नो थैंक यू, आई एम गोइंग। व्हाई, व्हाट हैपेंड? नो आफ्टर सीइंग यू आई हैव चेंज्ड माय माइंड। क्या हुआ? ये साला बहुत मारेगा, बहुत तगड़ा साला, रॉन्ग नंबर लग गया, कोई राइट नंबर बताओ ना। ओफो राजा, कोई ढंग का ढूंढो जिससे बेइज्जती ना हो। ऊपर क्या देख रहे हो आप? अरे हम देख रहे हैं कोई पतला सा आदमी जो हल्का हो लेकिन जिसका जेब भारी हो, वो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। लो मिल गया। कहाँ? वो जगह सामने है। वो तो कोई इंडियन लगता है। तो अच्छी बात है ना, ऐसे भी दुनिया में सब अपने अपनों को लूट रहे हैं, एक और मिल गया। कम ऑन लेट अस गो फॉर अ लूट। या ब्रेन वेल्स टू क्रीम टोस्ट। ओके थैंक यू सर। ए त्रिपाठी। त्रिपाठी? अबे भूल गए, बिहार के अंदर झरिया के अंदर हम लोग कोयले की खान के अंदर काम करते थे, तुम 340 थे, हम 440 थे। कोयले की खान 340? क्या बकता है रे? ये देखो बहुत चंट हो, जब खुद का कपड़ा फड़वाने का टाइम आया तो इतना एक्टिंग कर रहे हो। कपड़ा फड़वाने का टाइम? किसका कपड़ा, कौन फाड़ेगा? अच्छा ये भी भूल गए, अरे तुम्हारी हमारी शर्त लगी थी कि हम दोनों में से जो भी नया कपड़ा पहनेगा और सामने वाला जल्दी फाड़ देगा तो उसको 10,000 रुपए देना पड़ेगा। अब हम फौरन में हैं, हम तुमसे $10,000 लेंगे। बिहार झरिया कोयले की खान 340 भाई। ना मैं त्रिपाठी हूँ ना 340 हूँ। क्या बात कर रहे हो, रॉन्ग नंबर लग गया क्या? अरे मैं तुम जो समझते हो वो मैं नहीं हूँ। अरे ये तो गलती हो गई यार, ये तो पैसा देना पड़ेगा। कितना? अरे पूरा शर्ट फाड़ दिया मेरा। $25 का? कितने का है? अरे नाउ शट अप एंड गेट लॉस्ट। ऐसे नहीं यार, पैसे तो देंगे यार। अरे गेट लॉस्ट। अरे गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट क्या बोल रहे हो, लॉस्ट तो तुम्हारा है, बात करते हो। ये क्या है? ये निशानी है कि तुम त्रिपाठी नहीं हो, दोबारा शर्ट फाड़ दिया तो तुम इसको लेके घूम रहे हो, साला लेके घूम रहा है।
Now go, get my shirt from the car. I'm in the bar. अरे तुमने तो उसकी शर्ट फाड़ दी। नसीब वाला है साले की सिर्फ शर्ट फाड़ी है। मगर पैसे तो मिले ही नहीं ना। अरे डोंट वरी डार्लिंग, हो ना हो पैसा देने वाली पार्टी यही है। मगर राजा कैसे यार? तुम देखो ना कैसे है। That stupid बिहारी। अरे साला त्रिपाठी तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारे चक्कर में हमने दूसरे आदमी का शर्ट फाड़ दिया। अरे यू ब्लडी फूल, तूने फिर से मेरा शर्ट फाड़ा। फिर से? हाँ, मैं वही हूँ जिसका तूने पहले शर्ट फाड़ा। अरे वो झंडा लगा तो झंडा कहाँ गया? अरे ब्रेक दिया रे। हाँ तो ब्रेक दिया, तुम्हारी गलती है ना। अभी दो शर्ट का पैसा भरना पड़ेगा। अबे काम करो, अपने ड्राइवर को हमारे घर भेजो। आई विल सेंड यू द $40। गेट लॉस्ट। अरे हमारी बात सुनो यार। गेट आउट। ओके ओके। ये क्या है? अरे यार झंडा लगा दिया, दोबारा की गलती ना हो जाए ना। अरे ये झंडे वाला मुझे आज कहाँ से मिल गया? अरे तुमने फिर से उसकी शर्ट फाड़ दी। नसीब वाला है दोबारा सिर्फ शर्ट ही फाड़ी है साले की। लेकिन पैसे तो मिले ही नहीं ना। अरे डोंट वरी डार्लिंग, अभी तो सिर्फ दो अटैक हुए हैं, अभी फाइनल अटैक बाकी है। ओह माय गॉड, किसने ठोकी मेरी त्रिपाठी। अरे त्रिपाठी तुम्हारे चक्कर के अंदर आकर हमें एक आदमी का दो बार शर्ट फाड़ दिया, चलो निकालो। छू मत छू मत, मैं वही आदमी हूँ जिसके दो बार तूने शर्ट फाड़े। कमाल करते हो, शर्ट दिखाओ। ये देख। अबे वो झंडा कहाँ गया? फेंक दिया। कहाँ को फेंक दिया? तुम्हारी गलती है ना। लेकिन अब किसी का शर्ट नहीं फाड़ेंगे, हमारा नाखून का शेप खराब हो जाता है। पूरा नुकसान कर दिया मेरे गाड़ी का। पता है अमेरिका में ऐसी सिर्फ दो गाड़ी है, एक मेरे पास दूसरी क्लिंटन के पास। अब ये जो नुकसान हुआ है उसका पेमेंट कौन करेगा? नुकसान की बात मत करो, सारा पैसा लाकर तुम्हारे मुंह पे फेंकेंगे। कितना नुकसान हुआ है? $5,000। Yes. तुम्हारी गाड़ी लेकर जाते हैं, तुम्हारा पैसा लाकर मुंह पे फेंकते हैं, साला पूरा गाड़ी खरीद लेंगे। गारंटी के तौर पर इस लड़की को हमारे पास रखो। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। बेटी क्या बकवास कर रहे हो? अरे हमारी तो गर्लफ्रेंड हो, इनकी बेटी है। बेटी डैडी के पास रहो। बेटी कौन बेटी, किसकी बेटी? अरे सीधी बात है, डैडी की उम्र का डैडी बोल रहे हैं, नहीं तो ग्रैंडफादर बुलाते हैं। मोबाइल देना। किस लिए मोबाइल? अरे हमारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास रहेगी, हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए हमारी पार्टी ठीक है कि नहीं ठीक है। तुम्हारी कार कार है, हमारी गर्लफ्रेंड बेकार है। बात करते हो। व्हाट अ इंडियन ब्लडी फूल। Shut up. Hey. Yes, thank you, darling. Excuse me. Take me to your boss house. Boss, take him. Okay, beti, take care of daddy. अरे इसकी उम्र की तो मेरी बीवी है. Excuse me. Yes, please. हाँ, listen. Your boss health not good, very serious. Any time going up, I am pulling down. ओए अंग्रेजी दे पुत्र, हिंदी में बात कर. अंग्रेजी not coming. अरे आप तो बहुत ही गए गुजरे लगते हैं, अंग्रेजी का स्टॉक नहीं है क्या? नहीं। हाँ तो फिर इतने स्टाइल में, यस प्लीज क्या बोले? वो क्या है कि 20 साल अमेरिका में रहते होगे ना, सिर्फ इतना ही सीखा है। ओहो वेरी फास्ट वेरी फास्ट। आपका सुनाम क्या है? मेरा नाम डोंगा। पिताजी की बर्तन की दुकान थी क्या? आपको कैसे पता? नहीं, डोंगा का एक मतलब बर्तन भी होता है ना। ठीक है। क्या काम है? दरअसल आपके बॉस की तबीयत बहुत खराब है, उनकी एक टांग फ्रैक्चर हो गई है। कहाँ है वो? अरे हॉस्पिटल के अंदर, तुरंत मोबाइल पे फोन लगाइए। अच्छा सुनिए, आपके यहाँ कोई बाथरूम तो होगा? बाथरूम? हाँ लगी है, पूछ रहा है भाई। हाँ उधर है। ओ थैंक यू। बॉस की तबीयत खराब है। हेलो सर। हेलो डोंगा। सर आई एम डाइंग। नो सर। अच्छा सुनो, वो एक लड़का भेजा, उसके हाथ में $15,000 भेज देना। जी सर, अभी भेज देता हूँ। बेवकूफ कहीं का, बाथरूम में इतनी देर। हाँ भैया ये लो $15,000। अब आपको कैसे मालूम पड़ा $15,000 चाहिए था? सर से अभी फोन पे बात हुई ना। बात हो गई? हाँ। अच्छा दो शर्ट के लिए भी बोल दिया होगा। वो क्या हॉस्पिटल में ना सब कुछ फट फूट गया है ना। दो शर्ट? हाँ। ओके था भाई, ये लो अपना $5,000। ओ $5,000, थैंक यू। मत बोलो। क्यों? बाद में मालूम पड़ेगा। ये लो अपना दोनों शर्ट। ओहो दैट्स ग्रेट। ऐसे भी मत बोलो। क्यों? बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन शर्ट बिल्कुल मेरे साइज के और लाइक के हैं। वो तो होना ही था। क्यों? वो भी बाद में मन पड़ेगा। चलो डार्लिंग चलते हैं। प्रीति अपना मोबाइल पकड़ो। थैंक यू। hey! मोबाइल कहाँ है? खा मखा अपना कीमती एप्पल आपको थमा दिया, बताइए। गुड बॉय। हेलो सर, मैं उस लड़के से ये पूछना तो भूल ही गया कि आप कौन से हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल? मैं क्यों हॉस्पिटल में रहूंगा? आपका सर एक्सीडेंट जो हुआ है ना, फिर आप ही ने तो कहा था कि आपके भेजे हुए लड़के को मैं $15,000 दे दूं, सो दे दिए। क्या? हेलो कौन बोल रहा है? हाँ भाई मालूम पड़ गया। क्या? वही जो बाद में मालूम पड़ने वाला था। अरे समझे नहीं, 340 हम 440 बोल रहा हूँ। Oh you swine, I will kill you.
भैया गाड़ी में से सामान ले आ तो। ससुर जी पाए लगी। अरे कहा बताया, कहा अमेरिका का ट्रिप था, यानी कि फंटास्टिक था क्यों? क्या बात है, हम जब गए थे तो बड़े लाल लाल थे, अभी बड़े पीले पीले लग रहे हैं। What happened, daddy? बेटी तुम सर अंदर जाओ। चलो। तुम नहीं। अच्छा चलो हम आते हैं। Bye. कौन है तू? हैं? मैं पूछता हूँ कौन है तू? ये क्या कह रहे हैं ससुर जी? एक हफ्ते के अंदर हमारी आइडेंटिटी भूल गए, और एक हम आए आपके लिए। क्या फंटास्टिक वॉच लाए हैं, वाटर प्रूफ। और अपने बाप के लिए क्या लेकर आया? अब आपके लिए भी डैडी गुजरात आ गए। अब बताइए डैडी गुजरात आ गए। कौन है तू? अरे कमाल है, जो आता है कॉलर पकड़ के ऊपर कर डालता है, ये कॉलर के साथ पकड़ा पकड़ी खेल रहा है। अबे अपनी मौत के साथ मजाक कर रहा है तू? अब मजाक कहा, मजाक तो एक बार हमने यमराज के साथ किया था, राइट दिखा के लेफ्ट से निकल गए थे। एक महीने से तू मेरी बेटी को घुमा रहा है, कौन है तू? नहीं बताएगा तो क्या कर लोगे? अबे तू क्या, तेरा बाप ही बताएगा? बाप तो आप है तो आप ही बता दीजिए ना। कमीने बहरूपी, मेरी बेटी की जगह कर बैठ गया, पता कौन है तू? अच्छा जब पता लगेगा ना तो सर से पांव तक हिल हिला जाएंगी आप। चलिए बाप पकाना बंद कर, जल्दी से बोल कौन है तू। बाप मत बोलना, उम्र में छोटे हम तुमसे। ए तू मेरा भेजा मत फिरा, भेजा फिरा गोली चल जाएंगे। गोली नहीं, बम फटेगा, दिल फटेगा, अपना आत्मा फट जाएगी तुम्हारी, जब हकीकत मालूम पड़ेगी कि हम कौन है। तू सीबीआई का आदमी का बाप? सीबीआई नहीं, हम इनका बेटा हूँ। अबे साले तू मेरा बेटा कहाँ से पैदा हो गया? अबे हम आपकी पहली बीवी के बेटे हैं। देखा पप्पू भैया, पहली पत्नी। तो आप इतना परेशान क्यों हो रही है? ये आज की डेट में आम बात है। दीदी जीजा ने आपसे इतना बड़ा धोखा किया, उड़ा डालू क्या? तू मेरे को उड़ाएगा? निकल जूता, निकल नहीं जूते से मारूंगा। अरे उसे क्या मारेंगे, मुझे तो शादी से पहले ही आपके चरित्र पे शक था। शीला ने मना किया था, मत कर शादी। कौन शीला? कौन शीला? क्यों पूछ रहे, वहाँ मुँह मारेंगे क्या दो से बाद? अबे तू क्या चीख कर रहा है, तेरे पास क्या सबूत है कि तू मेरा बेटा? बे हमारे पास सबूत है, क्या है? आप अपनी पैंट उतारी है, यहाँ पर तिल है, हमको मालूम है। अबे मार खाएगा मेरे हाथ से। अच्छा तो ठीक है, फिर अपनी शर्ट उतारी है, वहाँ पर भी तिल है, हमको मालूम है। अरे ऐसा ही डरा रहे हैं मोटी आवाज से, क्या बताए? के धोखे बाद कुछ भी बोले तो मान लेती हो तुम? ये देखिए यहाँ पर तिल है, हमको हमारी माँ ने बताया था। देखो ये है ना, ये डरी, यही है जिसे मैंने लिफ्ट दी थी। तो लिफ्ट इसका मतलब हम इनके बेटे नहीं हुआ है? और तेरा तो हम जानबूझ के पीछा कर रहे थे सौतेले। अरे क्या नाटक चल रहा है मेरे घर में भाई, तेरे बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी का फैसला करके सुप्रीमो ने तो मुझे झंझट में डाल दिया। मैं भी उसे फोन करता हूं। एक मिनट यार, मुझे कुछ सोचने का मौका तो दे। अरे सोचने की क्या बात है, रेडीमेड बेटा मिल रहा है, एक्सेप्ट कीजिए ना। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जायदाद में एक और हिस्सेदार निकला। अरे तुम चुप रहोगी मेरी माँ? अच्छा जो कुछ भी कर रहे हैं आप लोग करिए, हमको अमेरिका से आकर जेट लैग हो गया है, हम जा रहे हैं अपने कमरे में। वो Well done, partner. Thank you. अच्छा एक बात बताओ। हाँ। तुम्हें कैसे पता था कि अंकल की पीठ पे एक तिल है? अरे तिल था कहाँ पागल? मतलब? अरे सीधी बात है, और छोटी मम्मी रो रही थी ना, उनका आंसू पोछते पोछते उनकी बिंदिया निकाल दी और डैडी के पीठ पे चिपका दी। Wow. तुम मेरे साथ शादी के बाद कोई गफला तो नहीं करोगे ना? पागल हो गई हो, अब बिहारी जिसे प्यार करता है एक बार नहीं 100 बार करता है। इसका मतलब मुझे बेवकूफ बना रहा था एसी की। अबे लात तो मारी नहीं, तू पलटा कैसे, तेरी आंखें से खुल गई?
उन्हीं में पलटी मारते समय हमारी आंख खुल जाती है। कहिए इतनी रात को हमें लात मारने की आपको कैसे सूझी? मकार गद्दार, मैं अपनी पीठ देख रहा हूँ, कोई तिल नहीं है। कहाँ है बेटिल? क्या बात करते हैं, आपकी पूरी फैमिली को तिल दिखाया, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। लगता है बुढ़ापे में आपकी आंखें सठी आ गई हैं। तू साला मेरे को आइए इधर है। हेलो आइए, हम आपको संपूर्ण तिल दर्शन कराते हैं। संपूर्ण तिल दर्शन। ई कहा है? ये आईना और क्या है? ई कहा है? ये पीठ है। हाँ तो सरड़ ऊपर कीजिए। हाँ सरड़ ऊपर कीजिए। दिखा किधर है? ये तिल यहाँ था क्या? यहाँ था। मुझे क्या मालूम, दूर ढूंढ। हमारे हिसाब से तो यहाँ था। ये कहाँ है? ये है तिल। हाँ ये कहाँ से है? हाँ आया कहाँ से? ये कैसा तिल है, कभी गायब हो जाता कभी नजर आता? अरे ये आप ही की तरह है, जो परसों पहले हमारी माँ को नजर तो आया मगर बाद में गायब हो गया। अच्छा सुन सुन ना, तू किसका बेटा है? चंद्रलेखा का, लक्ष्मी का, पार्वती का या बिजली का? हम दामिनी के बेटे हैं। दामिनी? दामिनी नाम की कोई औरत मेरी जिंदगी में नहीं आई, तू झूठ बोलता है, निकल बाहर। देखा यही तो झटका खा गए ना आप, इतना भी भूल गए कि संस्कृत के अंदर बिजली को दामिनी कहते हैं। अच्छा बिजली के बेटे हैं। याद आया? याद आया कि ना ही? याद आया। हमारे नाना जी बरसों एक ही रिकॉर्ड बजा बजा के हमारी माँ को सुनाते रहे। ओ सुबह कभी तो आएगी। हमारी माँ जीती रही मरती रही, बरसों अपने आंसू को कोल्ड ड्रिंक की तरह पीती रही, मगर वो सुबह कभी आई नहीं। और आप तो वो दीवार के सत्यन कप्पू की तरह हमारी फैमिली को छोड़कर चले गए, और हम अवतार के राजेश खन्ना की तरह मेहनत मजदूरी करते रहे, और त्रिशूल के अमिताभ बच्चन की तरह घुटते रहे, जलते रहे, सोचते रहे कि हमारे बाप है कहाँ। लेकिन हमारी माँ जो है ना, वो लावारिस की राखी की तरह कभी लाल किले से कूदी नहीं, बाल के मदर इंडिया के नरगिस जी की तरह उसने हमको पाला पोसा बड़ा किया। और एक दिन जब हम बड़े हुए तो हमको साला मालूम पड़ा कि हमारा बाप जो है वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बुंगले आजम है, और अपने बेटे सलीम की शादी गुजरात के अनारकली के साथ कर देना चाहते हैं। बताइए, तब जाके हमने अपने अंदर के बड़े मियां छोटे मियां के छोटे मियां को जगाया, और दूल्हे राजा बनने के लिए हम गुजरात भाग आया। बताइए क्या गलती की हमने? कोई गलती नहीं की। अब एक बात और बता दीजिए, आप त्रिशूल के संजीव कुमार हैं कि लावारिस के अमजद खान हमको आपका बेटा बन के जीने का हक देंगे कि नहीं देंगे? तेरा हक तो मैंने पिस्तौल की गोलियों पर लिख दिया है। देखा, हमको पता था कि गब्बर सिंह एंट्री जरूर होगी। नहीं, हम अपने जीते जी अपने बाप का खून नहीं होने देंगे ना। हरामखोर, मैं डैडी को नहीं तुझे मारने आया हूं। ऐसा मत करिएगा। क्यों? हम नीचे बैठ जाऊंगा ना। चला रहे। वाह डैडी, इसकी बातों में मत आइए, ये आपको बेवकूफ बना रहा है, पक्का ड्रामेबाज है ये। अच्छा ड्रामेबाज है हम, तो ठीक है, आप इसी तरह बंदूक तले खड़े रहिए, हम अभी जाकर बिहार से अपनी माँ को लेकर आते हैं, और फिर सुनिएगा अपने बाप की गलतियों की कहानी हमारी माँ की जुबानी, फिर ये बंदूक जो है ना इधर के बजाय इधर चल जाएगी, और आप हो जाएंगे अनाथ, और आपकी माँ हो जाएगी विधवा। अरे चुप कर लफंगे, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगी। तो ठीक है, आपको भी हम पर शक है ना, तो हम गुजरात मेल से बिहार जाते हैं और बिहार एक्सप्रेस से अपनी माँ को लेकर आते हैं, तब तक आप लोग यही खड़े रहिए ऐसा ही। क्या हुआ? पोल खुल गए तो यहाँ से भागने के चक्कर में आए? तेरी माँ आएगी लेकिन तू नहीं लाएगा। तो कौन लाएगा? मेरे मामा लाएंगे। ये लौट के आएंगे बिहार से। मेरी बॉडी पे शक नहीं करना। सच नहीं, यकीन है, आपकी बॉडी की गारंटी खत्म हो चुकी है, इसका आखिरी सप्ताह चल रहा है। जा भैया जा जा जा। एड्रेस बता। हाँ हाँ लिखो, पुराना बरगद का पेड़ टूटा फूल लेला तबेला मोहल्ला आशिक छेला बुलंद इमारत ग्राउंड फ्लोर रूम नंबर 840 माँ का नाम बिजली बाप लापता आज का पता इनसे मिली है। सोचिए मत, आपने गलती की थी। चले मामा चलो। अच्छा सुनिए, जाने से पहले आखिरी बार गले मिल लीजिए भैया, पता नहीं क्या। अबे कितना ये लंबा कर रहा है। जा चलो मामा, जा भैया जा। चलो बेटा। जा भैया। डैडी एक बात नोट की है, ये लोग बात बात पर आप पर बंदूक तान देते हैं, ये का लफड़ा है? आप गलती से डॉन तो नहीं बन गए? क्या बात है, जब से गुजरात आई हो बहुत बनाव सिंगार हो रहा है, किसी पे दिल विल तो नहीं आ गया ना? छोड़िए भी, मुझे क्या कहते, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। अपना गिरेबान तो फटा हुआ, क्या झांकेंगे उसमें? तो फिर मैं मेकअप क्यों ना करूं? आंटी जल्दी करो, ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएगा। ओ आई प्रीति, चल प्रीति चल। आई एम सो एक्साइटेड। हाय मैं मर गई। उन्हों आंटी
आप ठीक तो हो ना? अरे हम कह रहे हैं कि क्या हुआ है? भाभी जी सीढ़ियों से गिर गई। अरे मम्मी क्या हुआ? लाइए हम उठा देते हैं। खबरदार जब तूने मुझे हाथ लगाया तो। क्यों हमें कुछ छूत की बीमारी है? बीमारी नहीं, तू मेरी सौतन का बेटा है, सौतेला कहीं का है। मैं सगा तो दारू पी के सो रहा है ऊपर। उठा देते हैं ना? छूना मत मुझे। अरे बातें ही करते रहोगे या कोई उठाएगा भी? कोई उठाएगा इन्हें? कोई उठाएगा? अरे कोई उठाओ ना। अरे कोई उठाओ, क्या कर रहे हो? कोई उठाओ। अरे चुप, इन्हें उठा के मेरे कमरे में ले चलो। ले चलो, ले चलो। नहीं ऊपर लेके चलो। नहीं नहीं नीचे ले चलते। अच्छा बाबा मैं ही उठाता हूँ। क्या हुआ? मेरी बीवी तू कैसे उठाएगा? अबे तू तो रोज उठाता, आज मुझे उठाने दे। उठ। वाह आपने इनको उठाया, भगवान आपको उठाएगा। क्या बोला भैया? नहीं वो फोन आया था, फोन करना था, डॉक्टर को बुलाना था ना, अभी बुलाते हैं। हाँ ये पगडंडी पतली है, जरा संभाल भैंस के बाजू ले। ए गोबर संभाल रे, मेरे साथ उतरना, मेरे को अकेला छोड़ना नहीं। अरे मुल्ला छेला भी है, भैंस का तबेला भी है, इसका मतलब उस छोकरे ने एड्रेस बराबर बोला भी है। 100% जीजा जी का लफड़ा है। अरे इधर कितना अंदर है, ये मेरे बॉडी गार्ड लोग, मेरी बॉडी को गार्ड करना। ए दामनी बहन, ए दामनी, अब आए हो बाबू? मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लेकिन पन तुम हो कौन? मैं हूँ बरसों का जला। पहले हुक्का थे क्या? अरे नहीं नहीं, पुराना सिक्का हूँ। बाबा अकबर आजम के जमाने के होंगे, आज के जमाने में चलने वाले नहीं। सीधे बोलो आप हो कौन? पहले तू बता, तू कौन है बाबू? मैं गोवर्धन भाई का साला हूँ। क्या कहा? ला बाबा ला। थप्पड़ मारने के लिए कसम से उड़ा डालूंगा, उम्र कभी लिहाज नहीं करूंगा। ये देखो। अरे जीजू, मैं इस कमीने का ससुर हूँ कमबख्त। जब मेरा कोई बेटा ही नहीं तो तू साला कहाँ से आ गया? नहीं नहीं बाबा, मैं गोवर्धन भाई की दूसरी बीवी का छोटा भाई हूँ। मुझे माफ कर दो बाबू, पहले क्यों नहीं बताया? अरे आपने डायरेक्ट थप्पड़ मार दिया मेरे को बोलने का, चानस कहाँ दिया? मुझे भी कहा चानस दिया था उसने? उसने मेरी भोली भाली बेटी को अपने प्यार में फंसा कर एक नाजायज खूबसूरत बच्चा पैदा कर दिया। अगर एक बार वो मुझे मिल जाए ने तो आने छोड़वानू नहीं, आने मारी नाकीज। अरे ये गुजराती फैमिली है क्या? मेरी बेटी की चौतन के भाई, तुम यहाँ कैसे आ गए? एक्चुअली मेरे को जीजा जी ने भेजा है, बोला जाके दामिनी बहन को साथ में लेके आ। इतने बरसों बाद मेरी बेटी की याद आई। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था बापू घर की हालत खराब है, दीवारें गिरने लगी हैं, दरवाजे टूटने लगे हैं, पर्दे फटने लगे हैं, सोफे हटने लगे हैं। मैंने कहा बेटा दामाद जी आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वो सब ठीक है, खाली मेरे को बोलो दामनी बहन कहाँ है? वही तो बता रहा हूँ, मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि दामाद जी आएंगे तो उसे खाली कबाब दिखा देना। अरे? खाली तिजोरी दिखा देना। अरे वो खाली तिजोरी भर जाएगी, खाली मेरे को इतना बोलो दामिनी बहन कहाँ है? वही तो बता रहा हूँ, बेटी ने मुझसे कहा था कि कोई 25,000 रुपया भी दे तो मेरा पता नहीं बताना। अरे यार ये बुड्ढा तो मेरी भी कलई करने वाला है। ला पैसा ला, पैसा ला, पैसा ला। ए बाबा ये 25,000 ले और मेरे को खाली इतना बोल दामिनी बहन कहाँ है? वो अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना के लिए कैलाश पर्वत गई है बाबू। कैलाश पर्वत? वो इतनी ऊंची पहाड़ी पे? गुड मॉर्निंग छोटी मम्मी, लाइए हम आपके पांव दबा देते हैं। हमको कुछ छूत की बीमारी है जो बार बार बोलती छूना मत। हमें तो डॉक्टर बुला के आपका पांव का इलाज कराए थे। हाँ ठीक है, लेकिन तू सौतेले बाहर निकल। हाँ तो ठीक है, हम आपके लिए चाय जरूर लाएंगे। नहीं मैंने ब्रश नहीं किया अभी तक। तो आपके तो नकली दांत है ना, निकाल कर दीजिए, लाइए हम ब्रश करके लाते हैं। शट अप। ए तुझे किसे पता चला? नीचे बुराई कर रहे थे ना डैडी। हाँ आहा, मम्मी ये देखिए मैं आपके लिए बैसाखिया लाया हूँ, अब आप चल फिर सकती है, कूद भी सकती है। बख्त बदमाश। अरे अरे जिस माँ ने तुझे गोद में खिलाया, अपनी पलकों पर बिठाया, वो आज चलने फिरने के लायक नहीं रही तो उनके लिए लकड़ियों का सहारा ले आया। अरे हम अपनी माँ को श्रवण कुमार की तरह कंधे पर बिठाकर सब जगह तीरथ कराएंगे। गुड मॉर्निंग आंटी, आपकी टांग कैसी है? अब ठीक है बेटी। राजा तुम्हारा तकिया आंटी के कमरे के बाहर मिला,
रतिलाल कह रहा था तुम पूरी रात बाहर ही सोते रहे। सीधी बात है, किसी ना किसी को तो जागना पड़ेगा ना। रात को मम्मी एक गिलास पानी मांग ले, ये तो भाई दारू पी के सोते रहेंगे। हाँ? कोई तो खड़ा होना चाहिए ना बाहर। क्या तू तो सारी रात इतनी सर्दी में बगैर कंबल के सोता रहा? सर्दी लग जाती तो बेटा। मम्मी मम्मी ये हमें बेवकूफ बना रहा है। हाँ, इसकी नजर हमारी दौलत पर है। अरे सारी दौलत तुम ले लो, हमको सिर्फ अपनी मम्मी दे दो। हम कोई 16 पिक्चर के गब्बर सिंह नहीं है, धर्मेंद्र है बे। ना बेटा ना, रो मत बेटा। लगती है दिल कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपने बेटे की आंख में आंसू ले। ओ मम्मी, रो मत बेटा। आंटी चाय शक्कर बराबर डालिए। तू रो मत राजा, मत रो राजा, मत रो राजा, मत रो राजा। प्रीति बेटे, ये मिस्टर रमन है, इस शहर की बहुत बड़ी हस्ती है। इन्होंने शहर से करीबन 50 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट बनाया है, वहाँ एक म्यूजिकल इवनिंग है, उसके लिए हमें इनवाइट कर रहे हैं। भाई मैं तो बहुत जरूरी काम के सिलसिले में कहीं और जा रहा हूँ, तुम चली जाना। ओके डैडी, मैं राजा के साथ चली जाऊंगी। राजा के साथ नहीं, तुम मेरे साथ जाओगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरी मंगेतर हो इसलिए। भला ही प्रीति तुम्हारी मंगेतर हो, मगर शादी हमारे साथ करेगी। भाई साहब आप चलिए। जी नो। देखो बदतमीज, उठो। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि तुम गोवर्धन के बेटे हो। हमें मालूम है, हम वेटिंग लिस्ट के टिकट है, मगर एक दिन पूरा कंपार्टमेंट खा जाएंगे। अरे तब की तब देखी जाएगी, लेकिन आज प्रीति सिर्फ विक्की के साथ जाएगी। हाँ राइट। लेकिन डैडी, यू शट अप, दिस इज माय ऑर्डर। हां बहुत ज्यादा हटपट पटपट कर रहे हैं। कोई बात नहीं प्रीति, तुम इनके साथ चले जाओ। हां कभी कभी ड्राइवर चेंज करना चाहिए, समझा दो। क्या बोल रहे, समझा रहे हैं? चलो चलो चलो। भले ही प्रीति इनके साथ जाएगी, मगर गार्डन में गाना हमारे साथ गाएगी।
मैं पूछता हूँ कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ छोड़ा आया उसे? अंकल वो अचानक मेरे कार से गायब हो गई। मैं तुझे दुनिया से गायब कर दूंगा। एक मिनट लबानी, कहाँ इसकी बेटी? डैडी मुझे सचमुच नहीं मालूम। अबे जब तू उसको घुमा नहीं सकता था तो ले जाने की क्या जरूरत थी? हाँ मुझे ले जाते थे। शट अप। देख मैं आखिरी बार तुझसे पूछता हूँ, बता दे कहाँ है मेरी बेटी वरना। अगर कुछ मालूम होता तो बताता ना। अरे ये आपको क्या बताएंगे ससुर जी, हम आपको बताते हैं। हुआ यूं कि हाईवे में कुछ गुंडों ने इनकी गाड़ी रोक ली, इनके पास पैसों की डिमांड की, पैसे थे इनके पास, इन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे। मैंने ऐसे कब कहा था? शट अप। आगे क्या हुआ? गुंडों ने तान दी पिस्तौल, इनसे कहा कि यार पैसा दे दो या लड़की, इन्होंने लड़की थमा दी। डैडी ये झूठ बोल रहा है। हम झूठ बोल रहे हैं? अरे प्रूफ है हमारे पास। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अरे मुझे प्रूफ प्रूफ कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। कहाँ है मेरी बेटी? डैडी प्रीति, प्रीति मेरी बेटी। ये भी मिली हुई है। किसने की तुम्हारी यह हालत? अरे प्रीति बताओ ना, गुंडों ने तुम्हारे कपड़े किसके सामने फाड़े थे? मेरे सामने कब फाड़े? अरे तुम चुप करो। अच्छा प्रीति बताओ, गुंडों के पास तुमको छोड़कर कौन चला गया था? मैं कब छोड़ के गया था? तुम चुप करो, झूठ बोलते हो। डैडी उस वक्त अगर राजा नहीं आता ना, झूठ तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं, अच्छा हुआ ससुर जी, वो क्या है ना कि हमारी सिक्स सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम फिसी प्रॉब्लम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए हम वहाँ पर पहुंचे। वैसे भी इनकी मैन पावर पे हमको भरोसा नहीं था, इसलिए वहाँ जाकर गुंडों को मार भगाया। शाबाश बेटे, शाबाश। अरे तो हमारा फर्ज था, इस पे शाबाशी की क्या बात है, हमारी होने वाली बीबी है भाई। अच्छा ससुर जी हम चलते हैं, ऐसे में फाइट करके हम बहुत थक गए। अच्छा सर मैं पहले से कह रहा था प्रीति बिटिया की रक्षा ये क्या करेगा? इसके बारे में तो अब मुझे सोचना पड़ेगा। चल बेटी चल। उल्लू के पट्टे, अगर इसने प्रीति को न बचाया होता तो दमानी ने तो आज मुझे मार डालना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मुझे मारकर खुद मुंबई का डॉन बनना चाहता हो? कमाल करते हैं आप डैडी, आपके पास तो मेरा ही नंबर है ना। अच्छा हाँ, तूने बात का भी सोच रखा है? नहीं तो मुझे भी तेरे बात का सोचना पड़ेगा कि तेरे बाद मेरा क्या होगा। सब इस ड्रामेबाज की चाल है, आज रात को इसकी टांगे तोड़ दूंगा। आओ तोड़ो, अब तोड़ो भैया। साले को अब बताता हूं। मेरी जगह लेगा। अरे कौन है? हरामखोर, अपने बाप को मार रहा है? नहीं वो अभी तक तो मैंने उसको अपना बेटा भी नहीं माना और तू मेरा दुश्मन मान गया। नहीं वो क्या हो गया जी, क्यों चिल्ला रहे आधी रात को? ये तुम्हारी कमी नहीं औलाद, मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही थी ताकि मेरे मरने के बाद ये मेरी जगह पे बैठ जाए। नहीं डैडी मैं आपके टांगों पे मार रहा था। सर भी मारेगा? नहीं वो अरे ये क्या नाटक चल रहा है मेरे घर में? डैडी वो यहाँ प्लानिंग चल रही है मेरे को जान से मारने की, ये मार रहा है मुझको। सर मैं पहले से कह रहा था फैमिली लफड़े वाली है, लड़की मत देना। अबे अरे चुप, पहली बार इसने कुछ अकल की बात की है, मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। चलो सोचते हैं। डैडी तू जा नहीं तो मैं तेरे को जान ले जा उसको। डैडी वो ड्रामे पास मैं तो जाता है कि नहीं? तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? चल निकल यहां से बेशरम कहीं का नाला। ड्रामे पास वहां पे था। अब मैं देखता हूं कौन आता है मेरे को मारने के लिए। शंकर बोले, अब हम समझे तुम क्या बोले। अरे बॉडीगार्ड्स मेरे को संभालो। अरे बाबा क्या बर्फ और क्या ठंडी है, यह हवा के साथ बर्फ भी आ रही है। जीजा ने क्या लफड़े करके फंसा दिया, खुद लफड़ा क्या औलाद पैदा की और पप्पू को फंसा दिया। इधर कोई आदमी तो है, आओ आओ आओ। कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत पर भूत है। प्रभु
भगवान आप मुझे देख रहे हो? देख रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा गंगा जल दे दो, मेरे को लगता है मेरा हार्ट फेल होने वाला है। अरे बालक, जिसे यहाँ आकर मुक्ति मिलती है तो समझो उसे स्वर्ग मिल गया है। प्रभु मैं यहाँ मुक्ति की तलाश में नहीं आया हूँ, मैं दामिनी की तलाश में यहाँ वहाँ काका भटक रहा हूँ। अगर आपने उसको इस इलाके में आते जाते देखा हो तो प्लीज मेरे को उसका पता बता दो। दामिनी, उस देवी ने मुझसे कहा था कि कोई भी आए और मेरे बारे में पूछे। ए, तेरे पास एक आखिरी पेटी है वो दे दे बाबा। भगवान ये एक मेरे पास आखिरी लाख रुपया बचा है, इसे स्वीकार कीजिए और मुझे दामिनी का पता बताइए। उसने कहा था कि कोई भी आए अगर लाख रुपया भी दे तो मेरा पता नहीं बताना, अगर दे दिए हो तो मैं रख लेता हूँ, परंतु किंतु भगवान भगवान मेरे कहने का मतलब ये है कि किंतु परंतु में टाइम मत वेस्ट करो, प्लीज पॉइंट पे और मेरे को दामिनी का पता बताओ। अच्छा, पिछले सप्ताह वो यही खड़ी थी जहाँ पर तुम खड़े हो और यहाँ पर खड़े खड़े परलोक से धार गई। बालक तुम यहाँ से यहाँ क्यों आए? मालिक अब भी आपने कहा कि वो इधर ही खड़े खड़े परलोक से धार गई, अपना टपकने का कोई प्लान नहीं बाबा। पर तुम जैसे तुच्छ पापी कमीनों के लिए ऊपर स्थल नहीं है। वो मैं जानता हूँ अपने लिए ऊपर कोई जगह नहीं, लेकिन अपना जीजा ना बहुत हरामखोर है, वो जब तक उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं देखेगा कोई प्रूफ नहीं मानेगा, वो यकीन नहीं करेगा कि दामिनी टपक गई है। अच्छा तो उठा ले लाल कुंडा। ओके ये उठा लिया। हाँ आप मेरे को लल्लू समझते हो, आप समझते हो इसमें से नाम नहीं निकलेगी क्या? मूर्ख, ये उसकी अस्थियां हैं और उसकी अंतिम इच्छा थी कि इसे सिर्फ उसका पति ही खोलेगा। जा जा तेरा सर्वनाश हो। धन्य हो बाबा, थैंक यू। ए चलो है बाबा भड़क ले, यहाँ मस्त गर्मी थी, अरे पैसा खला सभी क्या बर्फ का। मोबाइल राजा राजा राजा, हाँ मैंने उसे भेज दिया मैंने उसे, अब तू संभाल ले उसे। हाँ 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 मैंने उसका पूरा पैसा ले लिया है, हाँ उसे ट्रेन में जाने के लायक भी नहीं रखा मैंने। विकी जी चाय पियेंगे? हाँ रख दो। ठीक है बाद में देता हूँ। अगर मैं तुम्हारे बेटे को पटक पटक के मारूं। ये लीजिए आपकी चाय, अपने आप बना लेना, मैं जरा जल्दी में हूँ। कहाँ जा रहा है तू? क्या है दो अर्थियों का बंदोबस्त करना। अर्थियाँ? कौन मर गया? मरा नहीं, मरने वाला है। कौन मरने वाला है? पता नहीं, आपके बेटे ने कहा लाने के लिए बस। बेटे ने? ये तुम्हारे बेटे की हट गई है क्या? तुम्हारा अपना कैसे उठा के लाई हो? हाय विकी। हाय। ये सुबह सुबह गन क्यों साफ कर रहे हो? पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए। लेकिन राजा तो कह रहा था तुम्हें सिर्फ गन साफ करने आती है, चलानी वलानी नहीं आती। उसे जान से मार डालूंगा मैं। जान से बाद में मारना, पहले निशाना तो लगा के दिखाओ। बताओ कहाँ लगा? वो गमले दिख रहे हैं ना वहाँ। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसा लगा निशाना? अब दूसरा वाला देखो। अरे, अरे, नीचे, नीचे, कोई मार रहा है? अरे नहीं, 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 छोटी मम्मी, डैडी, भले हमारी जान चली जाए, मगर हम आपको मरने नहीं देंगे। हाँ, अरे मर गए। हाँ, अरे मगर, कौन है? ये गोली चला कौन रहा है यार? पता नहीं कौन है जी। हाँ? कौन कौन चला रहा है? उड़ा दिया। देखा डैडी, अब पता चला वो दो अर्थियां किसके लिए थी? गोलियां तूने चलाई? बेशरम, अपने डैडी को मारकर उनकी जगह लेना चाहता है। ये आप क्या कह रही है मम्मी? पापी। कौन पापी? तू पापी। मेरे माँ बाप पे अटैक करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? What is this? ये गोलियों की आवाज, ये शोरगुल, ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे घर में? सर, गोवर्धन साहब के सगे बेटे ने इन्हें मारने की कोशिश की। Oh my God, मैं तो तंग आ गया इस सारी फैमिली से। कपड़े छोड़। पहले कहा था मैंने लफड़े वाली फैमिली है। I know. डैडी, आज जिसने अपने डैडी को उड़ाने की कोशिश की, कल ही आपको उड़ाएगा, परसों मुझे उड़ाएगा। Oh my God, what's the guarantee? कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी है। फ्रॉड है ये अंकल, फ्रॉड है ये। आप लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी असलियत सामने आएगी जब मामा जी आएंगे। चुप, चुप। ये देखिए आगे।
हाँ जी मैं आ गया। अरे तुम तो वाकई आ गए बे। क्यों तेरे को क्या लगा मैं वापस नहीं आऊंगा? छोड़ो भैया, जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? बहना आपका शक बिल्कुल सही निकला। मेरे जीजा का कैरेक्टर बहुत खराब है। दामिनी नाम की औरत इनकी जिंदगी में थी। ठीक का मतलब है? हाँ ठीक का क्या मतलब है? उनका देहांत हो गया और ये रही उनकी अस्थियां। अस्थियां? नहीं नहीं तो क्या ये मेरी अस्थियां है? हाँ हाँ कह दो कि वाकई ये तुम्हारी अस्थियां हैं। नहीं नहीं, अरे हमारे साथ ये जिंदगी में कहां ट्रेजेडी हो गई है। पहले पैदा होते ही हमसे भगवान ने हमारा बाप छीन लिया, और अब जब बाप मिला तो हमसे हमारी माँ छीन ली। अब कौन देगा हमको बाप का प्यार और माँ का दुलार? अरे हम तो अनाथ हो गई रे। रो मत बेटा। अरे हम तो अनाथ नहीं है, मैं हूँ ना बेटा। अरे आपके होने से कहाँ होता है बेटा? मैं तेरी छोटी माँ हूँ बेटा। नहीं हाँ बेटा माँ बेटा। और ये चिट्ठी भी, इसकी माँ ने तुम्हारे नाम छोड़ी है। ला बे मामू हम पढ़ देते हैं। कहा है कि हमारी लिखावट है। तेरी लिखावट मतलब? अरे हमारी लिखावट मतलब क्या? हमारी माँ की लिखावट और हमारी लिखावट में क्या फर्क हो सकता है? एक तो हम इतना टेंशन में, ऊपर से आप पॉइंट निकाल रहे हैं। चुप रहो जी, पढ़ बेटा पढ़। मेरे प्यारे बहन, हाँ। मैं जानती हूँ कि ये पत्र पढ़कर तुम्हारे दिल पर धक्का लगेगा कि तुझसे पहले भी तुम्हारी पति की जिंदगी में कोई और औरत थी। लेकिन क्या करे, शायद यही हम दोनों का नसीब था। अगर हम इस दुनिया में नहीं रही तो मेरा राजा को अपनी ममता का थोड़ा सा छाया दे देना बहन। उसकी शादी उसी लड़की से करवाना जिसे दुल्हन बनाने का वो सपना थी। बेटा रो मत, मैं तेरी शादी कराऊंगी, जरूर कराऊंगी। भाई साहब आज से ही प्रीति और राजा की शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। जान के दुश्मन, दो दो अर्थियों का इंतजाम करेगा तू? हट, तुझसे तो बाद में निपटूंगा। दमानी तू फौरन शादी का इंतजाम कर, मैं फोन करके पंडित को बुलाता हूं। जजमान गाड़ी तो बहुत अच्छी है, मुंबई में ऐसी कितनी गाड़ियां तुम्हारे पास होंगी? अरे पंडित क्यों मजाक करता है, एक भी नहीं है। मैं कंपनी में ड्राइवर का नौकरी करता है। असंभव, तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं बता रही हैं कि लक्ष्मी की तुम पर असीम कृपा है। ऐसी बीसियों गाड़ियां तुम्हारे पास होनी चाहिए। अरे बाबा कभी हुआ करती थी, लेकिन मेरी कुंडली में एक ऐसा शनि आया जिसने मेरे को राजा से रंक बना दिया। बाबा सच बोलता है, एक दिन अगर वो मिल गया ना तो गुलाम पिक्चर की तरह अंगूठी पहन के उसका मुंह तोड़ देगा मैं। अरे निराश मत हो, बहुत जल्द वही शनि दोबारा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम्हारे जीवन को आबाद कर देगा, देखना। आगे देखो, वाह। धन्यवाद जजमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पंडित भाड़ा कौन देगा? दिया ना भाई, धन्यवाद दिया ना। अरे धन्यवाद से कोई राशन पानी चलता है क्या? तो फिर आप यहीं रुको, हम जजमान से भाड़ा वसूल करके अभी आते हैं। ठीक है बाबा जल्दी आना, पहले ही देर हो रही है, धंधे का टाइम खोटी हो रहा है। अच्छा भाई अभी आते हैं, अभी आते हैं। नमस्कार जजमान, नमस्कार नमस्कार। क्या है, किधर है, हम लोग कब से रास्ता देख रहे हैं? जरा क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ी देर हो गई। रास्ते भर आपके बेटी की कुंडली इनकी बेटी की कुंडली से मिलाता आ रहा हूँ। कहीं शनि भारी है तो कहीं मंगल भारी है, ये शादी असंभव है। ये कैसा मनहूस पंडित है जो शादी के मौके पर ऐसी अशुभ बातें कर रहा है? जीजा ये पंडित को उड़ा डालू क्या? ठहर ना, पंडित को उड़ाएगा तो शादी तेरा बाप कराएगा। हाँ, क्या है जजमान, अपने बेटे की शादी रोक दीजिए। पंडित जी, पंडित जी ये शादी इसके दूसरे बेटे के साथ हो रही है। दूसरे बेटे के साथ क्या मतलब? इसकी पहली बीवी का भी एक बेटा है। ओ समझा जजमान, मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूँ कि आपके हाथ में कुछ चक्कर है। अरे इनका लड़का बहुत ही शरीफ और बहुत ही नेक है। हाँ। तब तो शत प्रतिशत शादी संभव है। लाइए 3,000 रुपए निकालिए, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए निकालिए। अबे मैं दुनिया को टोपी पहनाता हूँ, मेरे को पहनाना, काहे के 3,000? मैं मुंबई से टैक्सी से आया हूँ, उसका किराया लगता है कि नहीं? अरे बाबा ये पंडित अब तक क्यों नहीं आया? वड़ी कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने के दरवाजे से घुस के पीछे के दरवाजे से निकल गया हो? देखना पड़ेगा। वड़ी तुम रुको, हम अभी आता है। ए कहाँ जाता है? अंदर जाता है। क्यों? अरे एक पंडित हमारा टैक्सी में आया था, उसे पैसा वसूल करने का है। अच्छा वो पंडित वो तो इस तरफ गया है। इस तरफ गए हैं तो इस तरफ जाता है, इधर है। बड़ी राजा तुम कौन है? बड़ी तुम हमको नहीं पहचानता, आरपी मंगनानी को नहीं पहचानता जिसका ट्रेवल एजेंसी में काम करता था। और बड़ी ये क्या है नी, तुम दूल्हा के ड्रेस में, इधर पे तुम्हारा शादी हो रहा है क्या? तो हमारी नहीं तो क्या तुम्हारी शादी होगी?
बात करने के लिए मुंह क्या खुला, हमारे पेट में घुस के हमारी अंतड़ियों से खेल रहे हो? हम तुमको नहीं पहचानते भाई। क्या बात करता है नी, अरे हमारा चेहरा इतना टॉप क्लास है, जो एक बार देख लेता है भूलता नहीं, और तुम बोलता है तुम पहचानता नहीं। ठीक है, हम भी तुम्हारा असली इंट्रोडक्शन इधर कराएगा। नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। हम करेगा, आप बहुत अच्छे आदमी, गंदा आदमी है। नहीं, देवता हो, देवता राक्षस है। तो बगल में आइए। क्यों? नहीं, धुंधला धुंधला याद आ रहा है। हाँ, बड़ी धुंधला धुंधला याद आया, लेकिन याद तो आया नहीं, तेरी वजह से हम हिमालय ट्रेवल से ट्रेवल करके टैक्सी ड्राइवर बन गया। नहीं, और तुम हमको देख के बोलता है कि हम आपके हैं कौन? अरे नहीं, हमको पूरा याद आ गया, क्या भाई हमारे मालिक हो, इमोशनल क्यों हो रहे हो? दरअसल ये वही लड़की है जिससे हमारी शादी हो रही, जिसने आपको ट्रेवल एजेंसी तोड़ दिया था। बड़ी क्या बात करता है नहीं, इतना बड़ा हाथ कैसे मारा नहीं तुम? तुम बिहार का छोटा सा छोकरा, मुंबई बिना टिकट आया, ना माँ का पता ना बाप का ठिकाना, हमारा ट्रेवल एजेंसी के बाहर खाट पे सोता था, छोटा छोटा बड़ा पाव खाता था, इतना बड़ा हवेली कैसे खा गया नहीं तुम? एक्चुअली आई फेल इन लव एंड लव इज ब्लाइंड, यू नो। बड़ी तुम्हारा प्यार तो अंधा हो गया, लेकिन हमारा धंधा तो मंदा हो गया। अब ऐसा करो नी, इस बड़ा सा हवेली में एक छोटा सा कमरा हमको दो नी, हम अपना ट्रेवल एजेंसी दोबारा से शुरू करेगा। देखिए, आप अपना मुंह का ढक्कन बंद रखिए, हम दो चार ट्रेवल एजेंसी खोल लेंगे आपका, ठीक है? शादी मुबारक हो। मैं तो घबरा ही गया। अरे वाह राजा वाह, क्या जच रहे हो बेटा? अरे वो सब छोड़िए, जल्दी से कन्या को बुलाइए, हमारे फेरे करवाइए, हमको बहुत टेंशन हो रही है। अब कैसी टेंशन? अरे आपको क्या बताया, आपको खुद टेंशन हो जाएगी। क्यों, दाल में कुछ काला है? लो, उड़द की तो दाल ही काली होती है, इसमें क्या काला क्या पीला, सब भगवान की लीला। जल्दी से दाढ़ी बुलाइए ना लड़की को। अरे बुला लेना यार, चल। बड़ी मारता भी है, धक्का भी देता है। अरे चल, बोल। कौन है? ये तो वही टैक्सी ड्राइवर है जो हमको मुंबई से यहाँ पर लेकर आया है। नहीं डैडी, ये कभी हिमालय ट्रेवल्स का मालिक था, और ये ढोंगी, ये बेरुपिया, इसके यहाँ नौकरी करता था। बता इनको। ये तो नहीं बोल रहा है। बता इनको। बोल। ए बड़ी, नाक कान आंख मुंह पे नहीं मारता। अब मुंह पे मारता है, पेट में मारता है। अरे पापा, थोड़ा और मार लो, लेकिन गन क्यों निकालता है, इससे ना आदमी एकदम मर जाता है, थोड़ा मरने का टाइम तो दो बाबा। रुक जाओ, हम बताते हैं सच्चाई का। हमने आपको धोखा दिया, हमने इनको धोखा दिया, हमने आप सबको धोखा दिया। हमने झूठ कहा था कि हम गोवर्धन साहब के बेटे हैं, हम इनके बेटे नहीं है। थैंक यू बाबा। क्या बोला तू? तू मेरा बेटा नहीं है? शाबाश शाबाश, मतलब ये कि सांपों के बिल में घुसकर तू जहरीले फन के साथ खेलता रहा, मगर किस लिए? इसलिए कि हम प्रीति से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार। साला कमीना, अपनी औकात भूल गया क्या, जो प्रीति जैसी लड़की के साथ सपने देखने लगा शादी का? कहां प्रीति और कहां तू? साला गंदी नाली का कीड़ा, जिसकी ना माँ का पता है और ना बाप का ठिकाना। साले हमारी माँ को गाली देता है, चल तेरे तो हट, साला चीर डालेंगे। अबे साले, अबे गाली देता है, छोड़ दे मेरे बेटे को, वरना सर मैं सुराख कर दूंगा। कमीने, आज मैं तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। ठहरो अन्ना, आप यहाँ? हैरानगी हुई है, हमने सोचा कि इस खुशी के मौके पर खुद आकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दूं, और तुम दोनों की दुश्मनी को दोस्ती में बदलते हुए अपनी आंखों से देखो। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो मामले कुछ और है। वो तो हम देख ही रहे हैं, इस बहरूपिये ने तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि हमारे साथ भी बहुत बड़ा खेल खेला है, लेकिन अब हम इसके साथ ऐसा खेल खेलेंगे, ऐसा खेल खेलेंगे कि ये मरकर भी याद करे। अरे क्या बात करते हो 340, हमको तुम्हारे साथ खेल खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर इतना टेंशन चल रहा है और तुम बकवास टाइप का बात कर रहे हो। अब दूल्हा बनेगा विकी, और दुल्हन बनेगी तुम्हारी प्रेमिका। तुम अपनी प्रेमिका को लगन मंडप तक खुद लेकर आओगे, और इतना ही नहीं, दूल्हा दुल्हन की सेज भी तुम ही सजाओगे। अरे नहीं नहीं 340, ऐसा मत करो। अरे दुनिया के अंदर किसी भी प्रेमी और प्रेमिका के ऊपर इतना भारी संकट नहीं आया होगा, और हम तो कहते हैं कि आज के बाद दुनिया में कोई किसी से प्यार ही नहीं करेगा। रे शराब, उतारो कपड़े। क्या बकवास कर रहे हो? उतारो कपड़े। अरे बहुत भारी लोचा हो जाएगा। होने दो लोचा, उतारो कपड़े। तो मुंह उधर करो। कहाँ? उधर। अच्छा देखो उधर। हाँ विकी, तुम तैयार हो जाओ। जी जी। कमाल है, हम जैसे लोगों के साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पंगा लेने की हिम्मत रखते हैं।
अब तुम जाओ और अपनी प्रेमिका को लेकर आओ। गार्ड, तुम इसके साथ जाओ। एए, फिर से बाढ़ रहे। अरे नहीं, हम तो कह रहे थे क्या ऐसी नंगी अवस्था में प्रीति के सामने जाना ठीक नहीं रहेगा ना। अरे जाते हो क्या नहीं? अब पता नहीं हमारे साथ ऐसी नंगी हरकत करके इनकी बरकत का क्या होगा। शट अप। आइए अन्ना साहब, वहां बैठते। लेकिन त्रिकाल साहब, ये अमेरिका में आपको चूना कैसे लगा के? अरे ये आदमी नहीं, शैतान है शैतान। इसका कोई भरोसा नहीं। अगर इसके पास मौत भी आ गई ना, तो ये यमराज के हाथ में दूसरे का हाथ थमाकर चला जाएगा। क्या कह रहे हैं अन्ना साहब? यही बात मैं अंकल और डैडी को कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये भी तो गया है। क्यों नहीं, तू हृदय के ऊपर क्या कर रही है? जीजा धोखा, जीजा धोखा! अरे वो नंगा निकल लिया, धोखा जीजा अपने साथ धोखा हो गया है। क्या हुआ? अरे वो छोकरा तो इनकी छोकरी को लेके भाग गया ना। क्या बात कर रहे हो? अरे भांजे, इसी को बोलते इशक पे जोर नहीं। क्या अबे क्या भगता है? हेलो हेलो 340, कहाँ हाल है? अरे बहरूपी है तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे सामने हमारी लड़की को लेकर भाग गया। हाँ तो सीधी बात है, अगर बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए भेजोगे तो पतीला तो चाटी मारेगी ना। लेकिन तुम्हारे साथ हमारे जो चार गार्ड्स थे वो कहाँ हैं? वो बिहार के निकले, हमारी पार्टी में आ गए वो। तू कहाँ से बोल रहा है? हाँ ससुर जी, हम काशी मंडल से बोल रहे हैं। शादी होने वाली है, पंडित आ चुके हैं, मंत्र पढ़ने वाले हैं। कमीने, मैं तेरे साथ साथ उस पंडित को भी मार दूंगा। पंडित को गोली मार देंगे तो कैसे चलेगा, शादी कौन करवाएगा? पर आपके घर के पंडित है, उनको गोली मारेंगे आप? एक मिनट लीजिए, बात कीजिए आपके पंडित से। हमारा पंडित? पंडित, हेलो। अरे जजमान, अरे हमको फौरन बचाइए, हम बड़ी दुविधा में हैं। अबे मगर तू वहाँ पहुँचा कैसे? अरे पूछिए मत, ये महाशय किसको कहाँ कब कैसे पहुँचाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। ये तो हमको गोली मारने वाले हैं, जल्दी आ जाइए काशीराम मंडल। ये काशीराम मंडल कहाँ है? कोई अपनी जगह से नहीं रहेगा। एक मिनट, राम खोर। अरे शू करे छे मोटा भाई, मारा लगन छे। जब राजा किधर है? राजा तो मारा बापूजी ने नाम छे। अबे प्रीति किधर है? हूँ छो प्रीति। ये प्रीति? अबे नाम तो वही है, मॉडल बदल गया है। अरे फिर वो हम सबको चूना लगा के चला गया। हेलो। हाँ ससुर जी, हम बोल रहे हैं। उल्लू के पट्टे, तू कहाँ से बोल रहा है? मुँह से, हमारा मतलब है कि आनंद हॉल से बोल रहे हैं। अरे तू राम मंडल छोड़कर वहाँ कैसे पहुँच गया? और क्या है, एक तो वहाँ पर पहले ही किसी और की शादी चल रही थी ना, तो हमको वहाँ पर बुकिंग नहीं मिली। और वैसे भी हमको पता लग गया था कि आपकी विलन पार्टी वहाँ पहुँचने वाली है। तुझे ये सब कुछ मालूम कैसे हो जाता है? वो क्या है कि हमारी खोपड़ी के अंदर एक सैटेलाइट लगा हुआ है, उससे हमको सारे कनेक्शन पता लग जाते हैं। शाबाश शाबाश, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो पंडित जी, पंडित जी जल्दी सब करिए भैया, और कहीं बिलन पार्टी ना आ जाए, जल्दी से सब छोड़िए और मंत्र पढ़िए। मंत्र पढ़े? हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, हमारा चश्मा यहाँ रखा था, कहाँ रह गया सच? अरे एक मिनट, हमारे नीचे कुछ है। अरे ये चश्मा इधर है। हाँ ये थोड़ा सा टूट गया, थोड़ा दब गया। धन्यवाद भाई। हाँ ये चश्मा है, ये सत्यानाश हो गया तो बिल्कुल टूट गया, हम कैसे पढ़ेंगे मंत्र? अरे जैसे उसे पढ़िए ना भैया, चलिए। मगर हम इस टूटे चश्मे से मंत्र नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते। प्रीति का पढ़ोगे कि नहीं? अरे बाप रे, बंदूक है ये तो। पढ़ते पढ़ते बाल में किसकी बेटी है? हाँ जी हाँ, तो पहले सामने के बाल काटो, फिर पीछे के बाल काटो, फिर गंगा जी में डुबकी लगाओ। पागल हो गए क्या? क्या सामने और पीछे का बाल का बकवास कर रहे हो? शादी हो रही है क्या, मुंडन हो रहा है? अरे भाई गलत पुस्तक आगे लगता, हम पहले बोले कि चश्मा ठीक रहेगा, मगर हम क्या करें, विवाह की पद्धति में ये पढ़ती हो गई। कभी सामने का बाल काटो, कभी पीछे का बाल। मुर्दे का सिर पूरब की तरफ रखो, उसके पांव पश्चिम की तरफ रखो, फिर उसके मुंह में घी डालो। ये हमारी शादी में मुर्दा कहाँ से आ गया और उसके मुंह में घी कहाँ से आ गया? और क्या बकवास कर रहे हैं शादी के टाइम पे आप? सकुन बोल रहे हैं। अच्छा पढ़ते हैं, विलन पार्टी आ जाइए। क्षमा चाहते हैं, ये पुस्तक हमारी गलत हो गई है, विवाह का पढ़ते हैं, विवाह का, विवाह का। देखो विलन पार्टी आ गई, अब कितनी देर से कह रहे हैं जल्दी पड़ो जल्दी पड़ो, आप सब उठा लो यहाँ से, चलो कहीं और। जी हम नहीं चलेंगे आपके साथ, आप नहीं चलोगे? अप्रीति चलो चलो।
अरे बाप चलो चलो उठाओ यहाँ से सब सामान। चले चले अरे चलो चलिए आइए पंडित जी आइए आइए चलिए आइए सब पे व्यवहार करें क्षमा चाहते हैं लेकिन क्या करें शादी तो आज करके रहेंगे इनको गनपॉइंट पे रखो क्या करें। अरे वो कमरख तो यहाँ भी नहीं है कहाँ गया होगा वो। अंकल वो रास्ते में सामूहिक विवाह केंद्र था ना वहीं पे होगा। चलो चलो चलिए आओ। सर्वमंगल मंगल गौरी नारायणी नमस्ते सर्वमंगल मंगल गौरी नारायणी नमस्ते ओम सर्वमंगल मंगल। क्या कर रहा है बधाई हो सात फेरे पूरे हो गए हैं तुम दोनों पति पत्नी हो गए हो लाओ दक्षिणा। दक्षिणा तो हमारे ससुर जाएंगे ना वो देंगे। ए पंडित रोक दो ये शादी नहीं हो सकती। अरे आइए आइए ससुर जी आइए आइए। अरे शादी तो हो चुकी है इन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया है और अब लगे हाथ आप भी आशीर्वाद दे ही दी। आशीर्वाद तो तुझे जरूर दूंगा लेकिन मौत का तू ऊपर जाएगा और तेरी लाश पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा। क्या बात करते हैं ये प्रीति कितना रोएगी रो रो के आपके बेडरूम को स्विमिंग पूल बना देगी। तैरना आता है कि नहीं। शट अप कमीने तेरे सर पर मौत मंडरा रही है और तुझे मजाक सोच रहा है। नो डैडी हट जा प्रीति तू सामने से हट जा मैं कहता हूँ। नहीं डैडी अगर आज आपने गोली चलाई तो यहाँ एक नहीं दो लाशें गिरेंगी एक राजा की और दूसरी मेरी। तू अपने बाप को धमकी दे रही है। धमकी नहीं समझा रही हूँ डैडी आपकी दुनिया में आपकी हुकूमत चलती होगी लेकिन हम प्यार करने वालों के दिलों पे आपकी हुकूमत नहीं चल सकती। वाह देखा क्या बात कह दी। एक मिनट जरा होल्ड करना। देखिए आपकी दुनिया छोटी हो या बहुत बड़ी हो प्यार करने वालों की रिस्पेक्ट हर जगह होती है इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमको तो भैया आप लोग छोड़ ही दे। ए कटने वाले मुर्गे मरने से पहले फड़फड़ा रहा है कान खोलकर सुन ले। जुर्म को मिटा सके कानून में दम नहीं कानून हमसे है हम कानून से नहीं। अच्छा ठीक है आपको जितना बोलना था बोल चुके अब आपको भी जितना बोलना है बोलिए। आई एम वेरी बिजी आई डोंट हैव टाइम। टाइम तो वाकई तेरे पास बहुत कम है तू जानता नहीं तूने किसके साथ पंगा लिया है। दमानी से उस दमानी से जिसने करोड़ों का सोना और चांदी गुजरात के साहिल पर उतारा है। आज तक मैंने कितने खून किए हैं ये मैं खुद नहीं जानता। सब याद आ जाएगा पुलिस के दो चार डंडे पड़ेंगे सब याद आ जाएगा आपको। तुम्हारे कानून के हाथ काट के हमने तिजोरियों में रखे हुए हैं हम तुम्हारे कानून के घेरे में आने वाले नहीं है। अरे लेकिन माफ कीजिएगा आज आप लोग सब लोग है ना वो कानून के घेरे में आ चुका है। अच्छा तो फिर देखते हैं कि आज हम कानून के घेरे में हैं या फिर तुम मौत के। Hands up, you all are under arrest. देखा अब पहले ही आशीर्वाद देते थे तो गड़बड़ नहीं होती ना ये आपके बेटा है ना ये बार बार सबको फंसाते हैं। अब देखिए अब जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका अब आप लोग आ गए हैं इंस्पेक्टर साहब तो कृपया गन पॉइंट के ऊपर ही सही हमको आशीर्वाद दिला दीजिए इनसे। शाबाश शाबाश। अरे जजमान आपके बच्चे हैं आशीर्वाद दे दीजिए और जिंदगी में पहली बार पुण्य कमाइए। नहीं नहीं इनडायरेक्टली ये बोले शाबाश शाबाश बोले नहीं नहीं प्रणाम। चलो चलो कम ऑन मूव तेरे को तो देख लूंगा बेटा। कुत्ते लोग बदमाश इनको जेल में ही रखना भैया। राजा तुमने मेरे डैडी को भी अंदर करवा दिया। अरे अंदर नहीं करवाते ना प्रीति तो ये हम दोनों को ऊपर करवा देते हैं। लेकिन ये मेरे डैडी है राजा। तो ठीक है थोड़े दिन अंदर रहने दो सब सुधर जाएंगे। अब घबराओ मत थोड़े दिन में बाहर आ जाएंगे। अब हम इनके दामाद हो गए हैं ना तो इनका भी सनी जा चुका है और मंगल आ रहा है। यस रहना है।
दिल वाली गल तेनू दस के की होगा, तेनू केड़ा प्यार है जो दिल तेरा रोगा। दिल वाली गल तेनू दस के की होगा, तेनू केड़ा प्यार है जो दिल तेरा रोगा। जो लेखा च लिखा के आई हां, जो लेखा च लिखा के आई हां, मैनू दर्द ओ सहन दे, मैनू दर्द ओ सहन दे। तू हसदा रिया कर, मैनू हंजुआ च रहन दे, तू हसदा रिया।